स्वागत है आपका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। लगातार 8 दिनों की तेजी के बाद आज हल्की फुल्की और बहुत ही हल्की फुल्की गिरावट आपको निफ्टी में आती हुई दिख रही है। कुछ ज्यादा प्रेशर नहीं है, एक आईटी का प्रेशर थोड़ा आ रहा है, उसको छोड़ दें तो बाकी बाजार आपको ठीक ठाक ही दिख रहा है। और बैंक निफ्टी पर रखिए नजर, 41,800 पर फिलहाल ट्रेड कर रहा है, डेज हाई पर शुरुआत हो रही है। तो आखिरी डेढ़ घंटा कैसे रह सकता है बाजार के लिए? क्या 9 में से 9 दिन निफ्टी पॉजिटिव क्लोज होगा या फिर थोड़ी गिरावट आ सकती है? और बैंक्स का कैसा हाल रहने वाला है? कल के बड़े ब्रेकआउट के बाद आज फिर से एक बढ़िया मूव आती हुई दिख रही है, इस पर रहेगा फोकस। लंबे वीकेंड और उससे पहले वीकली एक्सपायरी पर है नजर। आइए इस समय की बड़ी बातें क्या है वो पहले बता देते हैं। वीकली एक्सपायरी का दिन है, निफ्टी सीमित दायरे में है, मामूली गिरावट के साथ है, 17,800 के थोड़ा नीचे 17,775 पर इस समय ट्रेड करते हुए दिख रहा है। बट निफ्टी बैंक डेज हाई पर आकर आपको ट्रेड कर रहा है, 250 पॉइंट्स का उछाल है, 41,800 के पास ट्रेड हो रहा है इस समय। आईटी यहां से सबसे ज्यादा परेशानी आ रही है, सारे दिग्गज आईटी स्टॉक्स आज गिर रहे हैं, 2.5% आईटी इंडेक्स टूटा है। थोड़ा फार्मा में आपको मुनाफा वसूली चल रही है कल की बड़ी मूव के बाद, पीएसयू शेयर्स भी कमजोर है, इंफ्रा एनर्जी और मेटल्स यहां से भी थोड़ी गिरावट आ रही है। बट ऑटो शेयर्स पर रखिए नजर, एक बार फिर से तेज रफ्तार पकड़े हुए हैं, सारा बैंकिंग पैक तो एक्शन में है, स्पेशली पीएसयू बैंक्स में आज आपको अच्छी मूव दिख रही है। रियल एस्टेट स्टॉक्स एक बाउंस बैक कर रहे हैं कल की मुनाफा वसूली के बाद, और एफएमसीजी की तरफ से भी आपको सहारा आते हुए दिख रहा है। और इन सब के बीच ग्लोबल बाजारों पर भी रखनी है नजर, कल दो बड़ी बातों पर रिएक्शन आते हुए दिखा था, थोड़े गिरे थे, बट अब डाउ फ्यूचर्स 25 अंक ऊपर हैं, नैसडैक फ्यूचर्स 25 अंक ऊपर हैं, यूरोप के बाजार भी आपको ठीक ठाक कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। तो कोई ग्लोबल मार्केट से परेशानी नहीं है, रुपया 20 पैसे आपके लिए मजबूत है, और हमारे बाजारों में तो संकेत आपको अच्छे ही दिख रहे हैं। तो क्या एक बार फिर से कमाल हो सकता है आखिरी डेढ़ घंटे में शुरुआत करते हुए? आइए अनिल जी से जानते हैं उनकी क्या रीडिंग हो रही है मार्केट्स की। गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून। इसी का इंतजार कर रहा था आपके आने का। डेज हाई पर बैंक निफ्टी है, 350 पॉइंट ऊपर, अभी अभी 41,800 के ऊपर गया है और वहां से और स्ट्रेंथ पकड़ते हुए दिख रहा है। तो निफ्टी तो मामूली गिरावट दिखा रहा है, आईटी अगर निकाल दे तो निफ्टी भी पॉजिटिव है, तो बैंक्स पे देखिए क्या चल रहा है सर। बैंक्स तो बहुत ही गजब के दीप, ये रहेगा ही, ये रहेगा तेजी की तरफ। आप बैंक्स, रियल एस्टेट और ऑटो, इन तीनों को हमेशा आउट परफॉर्म करते हुए देखेंगे ना। ये जिन जिन सेक्टर्स पर ब्याज दरों से सीधा सीधा असर पड़ता है उनको फायदा होना ही है, और वो जब तब आपको दिख जाता है। Correct. अब समझिए कभी नतीजे आईटी के खराब आए तो आपको सपोर्ट देने के लिए तीन सेक्टर तैयार हैं, ठीक है। कभी मॉनसून की वजह से समझो आपका खराब होने का, एफएमसीजी का माहौल खराब होता है तो बैंक आपके लिए तैयार है। तो मतलब कहीं कहीं आपको भरपाई करने के लिए, कभी ग्लोबल समझो कुछ खराब हो गया और मेटल वेटल उससे नीचे आ गए तो बैंक तैयार है। तो बैंक तो अभी वो है ना, संकट मोचक टाइप हो गए कि अब जब भी आपको जरूरत लगे तो बैंक्स, ऑटो, रियल एस्टेट पे भरोसा कर लीजिए। दो और दूसरी बात क्या है, सबसे बड़ी चीज़ क्या है, ज़्यादा बैंक और रियल एस्टेट तो कम्प्लीटली 100% और ऑटो भी मैक्सिमम इंडियन इकोनॉमी पर डिपेंडेंट है। इनका बाहर से दुनिया से कोई खास लेना देना नहीं, एक टाटा मोटर बजाज ऑटो टाइप को छोड़ दो तो बाकी आपकी ऑटो कंपनियों को सबको हिंदुस्तान से ही लेना देना। यस करेक्ट। तो आप सेफ भी हैं। तो जहां रेट सेंसिटिव के लिए यहाँ माहौल ठीक है, हमारी इकोनॉमी पर डिपेंडेंट है, तो फिर यही बढ़ेंगे ना। राइट। सो इनका बढ़ना एकदम लाजमी है, लीडरशिप भी है, तो आई थिंक ठीक है। बाकी रहा सवाल, अगर समझो किसी दिन आपको सपोर्ट एफ एम से आया, किसी दिन मेटल से आया, किसी दिन आई टी से आया, तो उस दिन बैंक आराम कर लेंगे कि चलो भाई आज बचाने के लिए आप है ना, थोड़ा वैसा है ना समझ। तो जिस दिन इनसे नहीं बचेगा उस दिन बैंक, उस दिन बैंक आ जाएगा। ये फॉर्मूले से चलो आप, ठीक है। अब रहा सवाल आज का, देखो आज के सेशन को लेकर ज्यादातर लोग सावधान है, इंक्लूडिंग मी, है ना। वीकेंड है, हाँ वीकेंड सेशन है, तीन दिन छुट्टी है अमेरिका, ये कौन लंबी पोजीशन रखे, और वही हो रहा है। तो न खुलकर मंदी कर पा रहे, न खुलकर तेजी कर पा रहे। तेजी करने के लिए लगता है कि यार मंडे देखेंगे, मंदी करने के लिए यार गिरता तो है ही नहीं, है ना। सो अब सिंपल सी चीज है, बहुत टाइट रेंज में है बाजार। डेटा में थोड़ी देर में पढ़ रहा हूँ, 17,700 आपके लिए बेस है आज का, 17,825 हल्की सी रुकावट। अगले आधे घंटे में अगर हम 17,825 आज का हाई पार करके टिक जाते हैं तो आज ये कमाल धमाल करने के मूड में निफ्टी आ जाएगा। आज भी, आज ही आ जाएगा, 9 में से 9 आज ही आ जाएगा, हो सकता है 827 का पूरा सहारा है। बैंक निफ्टी अभी भी यहां से 100-125 पॉइंट की जगह है। अच्छा, बैंक निफ्टी कहीं रुकेगा तो 41,975 42,000 के आसपास जाकर वहां रुकेगा, तो जगह अभी भी है। सो निफ्टी में अभी भी आपके पास 40-50 पॉइंट की जगह है, बैंक निफ्टी में करीबन 125-150 पॉइंट की जगह है,
लेट्स सी क्या होता है, लेट्स सी क्या होता है। बट ओवरऑल एक चीज क्लियर है, जितना लोग गिरने की सोच रहे हैं उतना गिर नहीं रहा, और आठ दिन बढ़ने के बाद अगर लोगों को लगे बढ़ना ही चाहिए, लाल में नहीं दिखना चाहिए, तो वो भी जरूरी है। बिल्कुल जो हल्का फुल्का ये करेक्शन आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ये बढ़िया करेक्शन है, 17,700 पे बहुत लोग तैयार खड़े हैं लेने के लिए, अगर आएगा तो 17,700 आएगा तो लोग तैयार खड़े, और ऊपर में आप देख लीजिए 825 पार करेंगे तो अच्छा हो जाएगा। बैंक निफ्टी भी सेम है, 41,500 के आसपास लोग तैयार खड़े खरीदने के लिए, 42,000 के आसपास आएगा तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी। बहुत क्रिस्टल क्लियर बढ़िया डेटा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और थोड़ी देर में मैं डेटा में आपको बता दूंगा कि मार्केट का मूड माहौल कैसा रहने वाला है। एक इंटरेस्टिंग डेटा बहुत बढ़िया बन रहा है दीप, और मैं आपसे एक ही चीज़ चाहता हूँ, बैंक निफ्टी दिखाइए 41,830। अब यहाँ पे विश्लेषण आज का अभी 2 बजे का जो सबसे काम का है वो मैं आपको बताने जा जी, बस 10-15 मिनट ज्यादा नहीं, इसको 41,800 पे टिके रहने दीजिए, और ये आज 42,000 होने की तैयारी में, 42,000 होने की तैयारी में मूव आ रही है। ठीक है, अगले 15 मिनट गॉट इट। क्यों 41,800 के कॉल ऑप्शन पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट से कल की आज की एक्सपायरी का, सॉरी कल की, 41,800 आज की एक्सपायरी का 90 लाख शेयर कॉल राइटर से बैंक निफ्टी के, आज की एक्सपायरी की बात कर रहा हूँ मैं, और अगर आज की एक्सपायरी के पहले ही बैंक निफ्टी वहाँ उसके ऊपर निकल कर 2 बजे ही तैयार हो रहा है, करेक्ट, तो फिर चाहिए क्या, चाहिए क्या आपको? बिल्कुल शॉर्ट कवरिंग की तैयारी है, 41,975 42,000 के आसपास आता हुआ दिख रहा है मुझे। बैंक निफ्टी का डेटा बहुत खूबसूरत डेटा है, गॉट इट। और जितना दूसरे सेक्टर कमजोर होने की कोशिश करेंगे, मसलन आईटी, उतना बैंक निफ्टी ज्यादा बढ़ेगा, गॉट इट। तो बैंक निफ्टी में शॉर्ट सेलर सावधान रहे। ठीक है सर, अंडरस्टूड। चलिए तो फिर बढ़िया एक्शन में हो रहा है बाजार, नजर रखते हैं इन लेवल्स पर जहां पर फिलहाल ट्रेड हो रहा है। 42,000 का एक अटेम्प्ट आ सकता है, अभी बात करते करते लीजिए 850 भी आ गया, तो देखते हैं अटेम्प्ट करता है या नहीं बैंक निफ्टी 42,000 का। आई एनर्जी से थोड़ी देर में उनकी पूरी स्ट्रेटजी भी समझेंगे, डेटा भी जानेंगे, उससे पहले हमारी टीम से बात करते हैं और जानते हैं एक कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स और साथ ही आज की खबरें। कुशल अरमान है तैयार। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं ट्रिगर्स। गुड आफ्टरनून डीप। ट्रिगर्स में पोस्ट मार्केट नंबर्स इन्फोसिस के आने वाले हैं, अराउंड 4:30 बजे इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। साथ ही उग्रो कैपिटल QIP के इशू प्राइस को लेकर कंपनी की बोर्ड बैठक आज होगी। मार्च महीने के US के PPI आंकड़े भी आपके सामने आएंगे, तो ये 3 इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं आज के लिए। कल के दिन में नंबर्स के लिए कैश सेगमेंट से टाटा नंबर घोषित हमारे बाजार रहेगी जयंती के मौके पर, और मार्च का जो WPI आंकड़ा है वो भी कल आपके सामने आता हुआ है, उनकी बैठक होने वाली है। और यहां पर कॉनकॉर के जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है और साथ ही शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नॉन कोर एसेट को लिस्ट कराने पर जो है इस कमेटी की बैठक होगी। ग्लोबल इवेंट के लिहाज से US का रिटेल सेल्स और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा मार्च महीने का आता हुआ दिखेगा, साथ ही अप्रैल का कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस पर भी नजर रखनी है। और US में बैंकों के नंबर्स आने शुरू हो जाएंगे कल से, और जिसमें JP Morgan, वेल्स फार्गो, सिटी ग्रुप अपने पहली तिमाही के नतीजे घोषित करते हुए दिखेंगे। 15 अप्रैल शनिवार को HDFC बैंक प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग का दिग्गज ये अपने नंबर्स डिक्लेयर करेगा, और साथ ही 17 अप्रैल में कैश सेगमेंट से एंजल वन, जस्ट डायल जैसे स्टॉक्स शामिल हैं, और गोदावरी पावर एंड इस्पात, इसका बायबैक बंद होता हुआ दिखेगा मंडे को। तो 10 अप्रैल को ये शुरू हुआ था, मंडे को यहाँ पर ये बायबैक बंद हो जाएगा। तो ये सारे ट्रिगर्स हैं अगले 2-3 दिनों के लिए। तो ये है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स आने वाले दिनों के लिए। आइए बताइए जी, सबसे पहले ऑटोमोबाइल स्टॉक्स पर आप ध्यान रखिएगा कि CM का यहाँ पर डेटा आता हुआ दिखाए। मार्च में जो PV बिक्री है वो लगभग 2.92 लाख यूनिट्स जो है वो आई है, और कमर्शियल व्हीकल्स की बात करें तो वहाँ पर 9.62 लाख यूनिट्स है वो आती हुई दिखी है। वहीं अगर पूरे FY23 की बात करें तो PV का उत्पादन 36.5 लाख से बढ़कर 46 लाख यूनिट्स के आसपास आता हुआ दिखा है। वहीं टू व्हीलर स्पेसिफिकली अगर बिक्री करें तो 1.35 करोड़ से बढ़कर लगभग 1.6 करोड़ के आसपास आती हुई दिखी है। IDBI बैंक यहाँ पर ध्यान रखिए क्योंकि राउटर्स के हवाले से एक खबर आई है। RBI ने संभावित खरीदारों की बोली का जो है आकलन शुरू किया है, जिसमें बोली लगाने वाले 5 बिडर्स का आकलन शुरू किया है, जिसमें आपको नाम दिखेंगे कोटक बैंक, CSB, MHS, NBD, उनके जो है EOI है उन्होंने जमा कराया, और इस हिस्सा बिक्री से सरकार का जो है लगभग 30,000 जो है मिलने की उम्मीद है। NTPC ब्लूमबर्ग के हवाले से ये खबर आती हुई दिखी है, ग्रीन एनर्जी सब्सिडरी के लिए जो ये है ऑफर लाने पर विचार कर रहे हैं, और ये सब्सिडरी में हिस्सा बिक्री के लिए जो है ये ऑफर लाने पर विचार कर रहे हैं। अनुपम रसायन
यहाँ पर जापान की एक कंपनी के साथ इन्होंने LOI वो साइन किया है और लगभग 1500 करोड़ का जो है ये LOI उसके लिए साइन किया है। तीन स्पेशलिटी केमिकल्स की सप्लाई के लिए जो है ये साइन किया गया है। KPI ग्रीन एनर्जी, यहाँ पर भी ध्यान रखिएगा क्योंकि ट्राइस्टार के साथ इन्होंने बिजनेस डेवलपमेंट का करार किया है, इको फ्रेंडली एनर्जी सॉल्यूशन विकसित करने के लिए जो है करार किया गया है। JSPL उड़ीसा में लगभग 1.2 MTPA क्षमता की जो रेल मील जो है वो लगाएंगे। अशोक लेलैंड, यहाँ पर भी खबर आती हुई दिखी है, पुरानी कमर्शियल गाड़ियों के लिए जो ई मार्केट प्लेस है वो लॉन्च करने वाले हैं। हैप्पीएस्ट माइंड्स, यहाँ पर एक कंपनी है निल्सन IQ ब्रांड बैंक के साथ इन्होंने करार किया है और ये करार जो किया है इन्होंने प्रोडक्ट डेटा से जुड़े समस्याओं में सुधार के लिए ये करार किया गया है। RCF जिस लगातार जो Q4 के अपडेट आते हुए जा रहे हैं, यहाँ पर अगर आप FIs ने यहाँ पर कंपनी में लगभग 0.6% हिस्सेदारी घटाई है, उनकी जो हिस्सेदारी थी 2.97 3% के आसपास थी, वो अब गिरकर 2.37% के आसपास हो गई है। और अंत में कुछ ब्लॉक डील्स हैं जिसमें AU स्मॉल फाइनेंशियल बैंक लगभग 32 लाख शेयर्स है, डाबर 15 लाख और मदरसन सुमी वायरिंग लगभग 23 लाख शेयरों के कई सौदे किए गए। ओके, तो ये हैं आपके लिए ढेर सारी खबरें। आज थोड़ी खबरें ज्यादा लाया ये सर, कंपैरेटिवली ज्यादा है थोड़ी। आज लंच पे गए नहीं सर? गया था। जनरली लंच और उसमें जो खबरें आती है फिर मिस हो जाती है। आई थिंक वीकेंड के लिए काम फ्री कर रहे हैं अभी, कर लो सब। ऐसा तो नहीं है ना? नहीं नहीं सर, ठीक है। तो हमेशा सब्स्टिट्यूट रख कर, आजकल तो क्या क्रिकेट में सब्स्टिट्यूट होने लगे हैं। हाँ, तो बाकी सब जगह तो होने ही है, उसमें क्या करें। ओके चलिए, तो अरमान ने दी है आपको सारी की सारी खबरें, कोई खबर छूटेगी नहीं अरमान से, निश्चिंत रहे आप। आइए हमारे एक्सपर्ट से हमारे साथ देखिए, आइए दर्शन कर लीजिए सारे महानुभावों का, क्योंकि फिर तीन दिन इनसे आपका मिलना होगा नहीं। कुणाल जी और राकेश जी मुस्कुराते हुए, और सुमित जी तो बस पूछिए मत, क्या चेहरा है नूरानी। और जैन साहब जुड़ चुके हैं, हिमांशु जी भी तैयार है, और वागले साहब का भी किया जाए स्वागत। सबसे पहले बिल्कुल वागले साहब के लिए परंपरा के मुताबिक चलना पड़ेगा। बिल्कुल, वागले साहब भी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए शो शुरू होते ही मैसेज कर देते हैं बिल्कुल की फरमाइश। आइए वागले का वंडर। जी वागले साहब फरमाए। अनिल जी गुड आफ्टरनून, दीपांशु गुड आफ्टरनून। अनिल जी मैं सोच रहा था आप कहेंगे परंपरा के, आपने कहा आप कहेंगे सीनियरिटी के मुताबिक, आप वही मतलब कहना चाहिए। हर बार सीनियरिटी कहना अच्छा नहीं लगता ना, समझ तो गए आप। तो मतलब तो यही था उम्र का तो जी, मतलब तो वही था सर। अनिल जी मैं एक्चुअली मार्केट में बैंक निफ्टी बहुत स्ट्रांग है, निफ्टी साइडवेज है, इनडिसिसिव है, लेकिन ऑटोज में और बैंक्स में आई थिंक अभी भी स्टॉक स्पेसिफिक अच्छे मूव्स है। मुझे TVS मोटर अच्छा लगता है, ये मैं पिछले तीन दिन से जिक्र कर रहा हूँ। मुझे लगता है आज बड़ा वाला ब्रेकआउट है, मेरे लिए ये स्टॉक ऑफ द नेक्स्ट वीक होगा। करंट भाव पे आप ले सकते हैं, 1160 का एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न क्लियर बना है, 1160 का करंट भाव है, यहाँ पर बाय करें, 5-7 रुपए की बाइंग रेंज रखें। आपका स्टॉप लॉस होगा 1148 का, 1150 का हल्का से नीचे, 10-12 रुपए की रिस्क होगी। पहला टारगेट 1200 का, 1220 का दूसरा टारगेट, और आई थिंक आप थोड़ा सा टाइम लेंगे तो ये 1300 तक भी जा सकता है, ये एक 10-15 दिन का व्यू है। टाइम सर आप कितना भी लगाओ, टाइम में कोई प्रॉब्लम नहीं, टारगेट आ जाए ना तो टाइम में कोई समस्या नहीं। देखो दो ही चीज चाहिए, पहली टाइम में कोई इशू नहीं, टारगेट आना चाहिए, दूसरा कि भाई स्टॉप लॉस ट्रिगर ना हो जी, और तीसरा गोल्डन चांस जो अगर मिल जाए कि आप जब लो उस भाव से नीचे न जाए। हाँ। और धीरे धीरे टारगेट फिर तो कहने, फिर तो मतलब वागले साहब जैसा कोई है ही नहीं। बस सिंपल सी चीज है, अगर ये तीन चीजें हो जाए तो कहना ही क्या। आइए बिल्कुल कुणाल जी राकेश जी के लिए चार्ट कॉर्नर का। बताएं सर। अनिल जी हमारा चार्ट कॉर्नर पिक है कोटेक महिंद्रा बैंक। दो दिन पहले इसके अंदर एक गैप अप ओपनिंग हुई थी और सारी अंडर परफॉर्मेंस आउट परफॉर्मेंस में बदल गई, और अब ये स्टॉक भी शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश लॉन्च के लिए तैयार है, तो कोटेक महिंद्रा बैंक को खरीदे। ओवर टू कुणाल जी। अरे जी देखिए एक बड़ा गैप बना है इस चार्ट पर, और इस गैप को ब्रेकअवे गैप कहते हैं। इस गैप के बन जाने के बाद एक नए ट्रेंड का आगाज होता है, तो मौजूदा स्तरों पर बाय करके चलने की हमारी राय है। 1845 पर 1845 पर स्टॉप लॉस रखकर खरीदारी करें। पहला टारगेट इस स्टॉक के लिए होगा 1900 का, 1900 का पहला टारगेट, और इवेंचुअल टारगेट 1920 का। तो 1920 के टारगेट के लिए कोटक महिंद्रा बैंक में खरीदारी करें।
ओके, ये है आपके लिए कोटक महिंद्रा बैंक, जहां पर करें खरीदारी। बैंक्स में ब्रेकआउट आ ही रहा है, अनिल जी अभी कह रहे थे, और 41,850 के ऊपर आपको बैंक निफ्टी आते हुए दिख रहा है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक तो जबरदस्त एक्शन में है, सुबह जैन साहब से इस पर बात भी हो रही थी, अभी भी 16-17% की गेंस होल्ड कर रहा है, तो नई तेजी वहां पर आ रही है। बट कोटक बैंक पर सुबह के लिए तो एक आदमी को और धन्यवाद देने की जरूरत है, सुमित जी। सुमित जी आईसीआईसीआई बैंक बिल्कुल सुबह सुबह सुमित जी आईसीआईसीआई बैंक था ना सुबह आपका? बैलेंस जो बना के चले हैं सुमित जी, कमाल का है, क्योंकि जहाँ शॉर्ट वाले कॉल्स हैं वो शॉर्ट भी दिए, और मैं वो सोच भी रहा था जब शॉर्ट कॉल आया, मैंने कहा अच्छा आईसीआईसीआई बैंक लॉन्ग करना है बाकी शॉर्ट भी करना है, देखिए वही चल रहा है बैंक्स, बहुत बढ़िया कॉल। जरा एक बार अपडेट दीजिए सुमित जी। अनिल जी देखिए सुबह पीएफसी का जो सेल का टारगेट दिया था वो अचीव हुआ है, तो उसमें तो टारगेट हिट पूरा मोर लग सकता है। आईसीआईसीआई बैंक डेज हाई पर है, आईसीआईसीआई बैंक के अंदर अभी यहां से मोमेंटम आना बाकी है, बैंक निफ्टी थोड़ा सा और मजबूती हो आईसीआईसीआई बैंक में मजबूती आ ही जाएगी। आईसीआईसीआई बैंक 900 का लेवल क्रॉस करते ही 10-15 रुपए का मूव और ऊपर की तरफ दिखाएगा, तो जिन्होंने पोजिशन बनाए होल्ड करें, डेज हाई पे ट्रेड कर रहा है अभी, यहां से और ऊपर का मूव देखने को मिलेगा। ओके, तो ये है आपके लिए आईसीआईसीआई बैंक, जहां पर आपको रखनी नजर, बढ़िया एक्शन इस पर दिख रहा है। कोटक बैंक पर भी रखिए नजर, वहां पर भी एक मूव अच्छी आती हुई दिख रही है। कुछ और स्टॉक्स भी हैं जहां पर आपको बढ़िया मूव बनती हुई दिख रही है, इस पर रखिए नजर। वेल्सपन इंडिया में एक बढ़िया उछाल आया था थोड़ी देर पहले, 6.5% ऊपर है, इस पर रखिए नजर। बट आज सुबह हम जैन साहब को याद भी कर रहे थे, क्योंकि ग्रेफाइट HEG इन दोनों स्टॉक्स में आपको बड़ा स्पाइक आते हुए दिखा था, PCBL की भी हमने बात करी थी, वहां पर भी मूव आ रही थी। जैन साहब जरा देखें इस स्पेस पर, बढ़िया एक्शन बन रहा है, सुबह से ही बजिंग है, क्या चल रहा है सर यहाँ पर? देखिए एक तो आपने भी ये बोला था कि कुछ दिन पहले जब इनका बहुत बड़ा बुल रन आया और उसके बाद से गजब का करेक्शन है, और ये स्टॉक देखिए मैं इनफैक्ट 8-10 साल पहले से ही जब हम लोग दूसरी इनिंग्स में थे, मैं और अनिल जी फास्ट इनिंग्स में, तब मैंने ग्रेफाइट और HEG ये सब रेकमेंड किए हुए हैं। और देखिए HEG तो हमारे राजस्थान बेस्ड प्रमोटर्स की है, बट ओवरऑल मुझे लगता है कि देखिए जब भी ये मेटल्स में या स्टील स्टॉक्स चलने लगते हैं और ओवरऑल मेटल्स में जब माहौल बनता है तो ये सारे स्टॉक्स भी ठीक करने लग जाते हैं, और एक बहुत बड़ा करेक्शन देखने को मिला, तो डाउनसाइड रिस्क नहीं है, और चूंकि स्मॉल कैप्स मिड कैप्स में भी एक माहौल बना हुआ है, सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन की यहाँ पे एक बॉटम फिशिंग हो रही है, तो जिन्होंने ले रखा वो होल्ड करे, और जिनको लेना है वो स्टैगर्ड वे में सर्टेनली बाई कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो लेवल्स आज हम देखते हैं 550-600 के लेवल से, आज आप देखिए ग्रेफाइट अगर 225 पे मिलता है तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तो सर्टेनली अच्छा है। तो आई थिंक ये दोनों तीनों स्टॉक, और एक छोटा स्टॉक मैं जनरली इनके साथ एक और देखता हूँ वह पेनासोनिक कार्बन, वो भी मैंने स्टॉक को रिकमेंड किया है, पेनासोनिक कॉर्पोरेशन जो जापान की कंपनी है, जापान के MNC उनके साथ की कंपनी है, तो ओवरऑल आई फील बिल्कुल लेना लेवल्स पे। ओके ठीक बात है, तो जैन साहब ने खरीदारी करने की राय, और जैन साहब ने जो पूरा ये विश्लेषण दिया उसमें दो चीजों पर मेरा ऑब्जेक्शन निकल के आया। अच्छा, दो पर? हाँ, पहला तो ये कि जैन साहब ने कहा कि ये हमारे राजस्थान की कंपनी है, तो जैन साहब बहुत क्षेत्रवाद लेकर आ रहे हैं अपने रिकमेंडेशन में। अभी क्या है वो वहां तक तो ठीक है, अगर हिमांशु जी, कुणाल जी, राकेश जी ने दिल्ली का क्षेत्रवाद शुरू कर दिया तो एक तो उनके पास एनलिस्ट भी ज्यादा है, कंपनी भी ज्यादा है, तो जैन साहब के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा मामला, है कि नहीं? तब क्या करेंगे? तब जैन साहब क्या करेंगे? तो जैन साहब क्या आपको दिल्ली की कंपनियां पसंद है कि मतलब राजस्थान से ज्यादा प्यार है? नहीं नहीं, देखिए दिल्ली और बॉम्बे तो देखिए बड़ी जगह है, बैंगलोर है, हैदराबाद है, अहमदाबाद है, ये सबसे लिस्टेड कंपनियां ज्यादा है, बट हमारे राजस्थान से क्या है SME में थोड़े ज्यादा है और बड़े वाले सेगमेंट में कम कंपनियां है, तो ये भी आपके मेवाड़ क्षेत्र की कंपनी है, मैं तो यही बोलूंगा, तो मेरे राजस्थान भी होगा मतलब क्षेत्रवाद से जिलावाद फिर पता चला मोहल्लावाद तक पहुंच गए, जैन साहब आपने राजस्थान का वही काफी है, ठीक है बहुत बढ़िया। तो ये है जैन साहब की तरफ से। दूसरा ऑब्जेक्शन क्या था, मैं भूल गया, कुछ तो था, दो ऑब्जेक्शन था, दूसरा ध्यान में नहीं आया, याद आएगा तो बताऊंगा, लेकिन दो ऑब्जेक्शन आए थे मेरे, लेकिन फिलहाल तो मुझे एक ही याद रहा। तो चलिए जैन साहब की तरफ से आपके लिए ये सारी कंपनियों पर है राय आती हुई। आइए दिन की ऊंचाइयों की तरफ ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, बाजार मजबूती के साथ है आपके लिए इस वक्त, और 17,800 की तरफ बढ़ने की कोशिश निफ्टी की, और 42,000 की तरफ जो बढ़ने की कोशिश बैंक निफ्टी की है उसमें डे हाई पर 41,875 पर ट्रेड कर
डेटा है दीप मजबूत है, इसलिए आज मैंने आपसे लिबर्टी लेके 2 बजे मैंने कहा कि बता दिया जाए विस्तार में, विस्तार में बिल्कुल सर, और मैं भागते भागते आया था, उनका कि बताना जरूरी है क्योंकि क्या है पता चला 2:30 बजे जब तक जुड़े तब तक मूव आ गया बड़ा, तो वो मूव मिस नहीं होना चाहिए। वैसे शो की शुरुआत से अब तक 75 पॉइंट का मूव आ गया बैंक में, हां आएगा और वो स्टेडली ऊपर ही जा रहा है। और मजे की बात है कि तब से ऐसा नहीं कि डाउ फ्यूचर्स का सपोर्ट है, डाउ फ्यूचर्स वहीं पड़े हैं। सो आई थिंक ये बढ़िया मूव के लिए बाजार तैयार हो रहा है। आइए बढ़ते आगे, ग्रामीण मांग को लेकर यानी कि रूरल एरिया में डिमांड कैसी है इसको लेकर डीलर्स की क्या राय निकल कर आ रही है, इस पर पूरी एक रिसर्च और इन्फॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं आपके लिए कुशल गुप्ता। कुशल जी बताएं सर क्या क्या निकल कर आया आपकी रिसर्च में। सर यहाँ पर कुछ एक ब्रोकर्स कम्युनिटी ने उन्होंने डीलर्स कॉन्फ्रेंस की थी और उससे जो मतलब जो रूरल डिमांड है वो कहीं ना कहीं अभी भी डोल्ड्रम्स में थी और इश्यूज थे उसको लेकर, क्योंकि अर्बन डिमांड तो स्ट्रेंथन हो रही थी पर रूरल को लेकर क्या चिंताएं हैं डीलर्स को, क्या नहीं है, कौन कौन से सेगमेंट्स ऐसे हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उसको लेकर ये कॉन्फ्रेंस की गई थी। अब यहाँ पर सबसे पहले तो ये दो बातें हैं इसमें, एक तो 2-व्हीलर्स और 4-व्हीलर्स की जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं वो रिलेटिवली जो एंट्री लेवल इनके प्रोडक्ट्स हैं उससे ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा बिक रहे हैं, और दूसरी बड़ी चीज़ है ट्रैक्टर को लेकर जो मांग में धीमापन की स्टोरी बनी हुई थी अभी भी है पर अब रिकवरी के संकेत वहाँ पर भी आते हुए दिख रहे हैं। तो ये दो बड़े टेकअवेज इससे निकल कर आए। सबसे पहले तो ट्रैक्टर सेगमेंट की बात कर लेते हैं, जो बेहतर फसल हो रही है, MSP है और सरकार की तरफ से जो खर्च है आगे आने वाला, जैसे कि हम हमेशा ही बात अभी कर रहे हैं कि जनरल इलेक्शंस होने वाले हैं अगले साल, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए रूरल थीम पर बड़ा फोकस यहां पर बनता हुआ नजर आ रहा है और ग्रामीण मांग बढ़ने की अब पूरी पूरी संभावना भी दिख रही है। IMD की तरफ से प्रेडिक्शंस भी दिखा हमने कि नॉर्मल मानसून की प्रेडिक्शन उनकी तरफ से भी है, तो ये एक अच्छा इंडिकेटर है। साथ ही ये डीलर्स कह रहे हैं कि जो सेकेंड हाफ है FY24 का वहां से आपको वॉल्यूम में ट्रैक्टर वॉल्यूम्स में अच्छी बढ़त आती हुई नजर आ सकती है। तो ये एक दो बड़े अपडेट्स ट्रैक्टर सेगमेंट के लिए है। 4-व्हीलर की जहां तक बात है, जिस तरह से ब्याज दर बढ़ते हुए नजर आए हैं, कोई दबका अगर सबसे ज्यादा इंपैक्ट इस चीज से होता है तो वो है रूरल एरियाज, क्योंकि डिस्पोजेबल इनकम वहां पर रिलेटिवली कम होती है और ब्याज दरें ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही रहती हैं दोनों ही अर्बन और रूरल सेगमेंट में अगर आप देखें। तो यहां पर ग्रामीण मांग में उस वजह से थोड़ा धीमापन था पर अब जैसे कि रेट पॉज भी होता हुआ दिख रहा है तो उसके इंडिकेशंस भी आ रहे हैं, और साथ ही जो छोटी गाड़ियां हैं उसके मुकाबले जो कॉम्पैक्ट SUVs है उसकी डिमांड हम देख ही रहे हैं कि पिछले कुछ महीनों से बढ़ रही है पर वो अर्बन लेवल पर बढ़ रही थी, अब रूरल लेवल पर भी ये आपको ट्रेंड आता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही OEM स्तर पर डिस्काउंट्स भी ये जितने भी कॉम्पैक्ट SUVs हैं उस पर सबसे ज्यादा कम हो गए हैं, तो ये क्लियर कट इंडिकेशंस हैं कि यहां पर जो प्रीमियम कॉम्पैक्ट SUV प्रोडक्ट्स हैं 4-व्हीलर में उसकी डिमांड और ज्यादा बढ़ रही है और वेटिंग पीरियड भी रिलेटिवली काफी ज्यादा है एज कम्पेयर टू अदर सेगमेंट्स इन द 4-व्हीलर स्पेस। इसके साथ साथ अंत में 2-व्हीलर स्पेस की बात करूंगा तो यहां पर जैसे कि मैंने बताया कि जो एंट्री लेवल प्रोडक्ट्स है उस पर अभी भी दबाव जारी है पर इलेक्ट्रिक 2-व्हीलर्स की पिकअप में काफी अच्छा आपको रुझान अब देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट पिछले साल 1.5% कॉन्ट्रीब्यूशन था, अब 4.5% का कॉन्ट्रीब्यूशन EV का होता हुआ दिख रहा है, और साथ ही अगेन जैसे कि जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स है इसमें भी मोर देन 150cc की बाइक्स उसकी प्रेफरेंस अब बढ़ती हुई दिख रही है। तो ये तीन अब सेगमेंट्स को लेकर जो डीलर कॉन्फ्रेंस हुई थी रूरल डिमांड पर वो अपडेट है। तो आप कह रहे हैं कि रूरल डिमांड पर कोई असर नहीं है, असर काफी मतलब हद तक था, अब थोड़ा रिकवरी का साइकल आता हुआ दिख रहा है। तो इस समय जब एक कंसर्न बाजार में बन रहा था कि शायद मॉनसून की कमजोरी की वजह से रूरल डिमांड इफेक्ट हो सकती है, जो ऑन द ग्राउंड फीलिंग है वो ये नहीं रिफ्लेक्ट, हाँ एज ऑफ नाउ तो वो नहीं है। अब प्रेडिक्शंस हैं, अब क्या फाइनल रेनफॉल के रिकॉर्ड्स आते हैं वो हमें देखना होगा, क्या डिमांड रहती है, बट एज ऑफ नाउ ये अपडेट। चलिए इंटरेस्टिंग व्यू लेकर आए हैं कुशल, इस पर जैन साहब से भी उनका व्यू लेंगे। इससे पहले आई थिंक सुमित जी की तरफ से एक ट्रेडिंग कॉल भी है तैयार। बिगुल सुमित का सुपर हिट। बताएं सर। दिवांशु, भाई का स्टॉक रडार पे आया है, बैंकिंग स्टॉक के अंदर ही नजर रखना है, एक एक करके बैंकिंग स्टॉक्स में मोमेंटम बन रहा है। तो अभी जो बैंकिंग स्टॉक मेरे रडार पे आया उसका भाव चल रहा है 855 रुपया। स्टॉक का नाम है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक के अंदर अब मोमेंटम बिल्डअप स्टार्ट हुआ है, एक्सिस बैंक के अंदर अब यहाँ से ऊपर का मूव बनेगा। स्टॉक के अंदर मेरे को लग रहा है कि आज और 2-3 दिनों के अंदर एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ बनेगा, जिसके अंदर पहला टारगेट बनेगा 868 रुपए का, 868, दूसरा टारगेट बनेगा 875 रुपए का। एक्सिस बैंक के अंदर खरीदारी करें जिन्होंने पोजीशंस बना रखे हैं, होल्ड करें। जस्ट अभी मोमेंटम का शुरुआत हुआ है तो यहाँ से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ बनने वाला है। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है 845 रुपए, 846 रुपए के पास दिखाई दे रहा है, तो 845 के स्टॉप लॉस से
एक्सिस बैंक में यहाँ पे खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। 868 का पहला टारगेट, 875 का दूसरा टारगेट। तो चलिए एक्सिस बैंक पर रखिए नजर, कोटक बैंक की अभी बात हो रही थी, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक पर तो व्यू आ ही चुका है। और अनिल जी जो आप कह रहे थे 42,000 का अटेम्प्ट कर सकता है, 41,900 तो आ गया, तो 200 में से 100 पॉइंट की मूव तो आ गई, हाफ वे मार्क पर। बहुत शानदार डेटा है दीप, और अभी तो देखिए जो हिसाब से डेटा बने हैं, निफ्टी का तो मैं नहीं कह सकता, बैंक निफ्टी तो डे हाई के नजदीक बंद होगा आज भी। बैंक निफ्टी का डेटा बहुत स्ट्रांग है, एक्सपायरी के दिन आपका बेस ही शिफ्ट हो गया दीप, अब 41,700 पे आ गए आप, 41,800 का जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 90,00,000 शेयरों का था उसको 100 पॉइंट से पार कर दिया। देखो एक सिंपल सा फॉर्मूला जनरली क्या होता है, निफ्टी में 100 पॉइंट ऊपर की स्ट्राइक के आप जब ट्रेड करने लगते हैं, फॉर एग्जांपल किसी ने 17,700 का कॉल बेचा हुआ है, उसको तनाव तब आता है जब वो 17,800 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है। बैंक निफ्टी में जनरली ऐसी सिचुएशन जो छोटे रेंज बाउंड मार्केट में 500 पॉइंट पे बनती है, समझो आपने 41,500 का कॉल बेचकर 42,000 के ऊपर ट्रेड करने लगे ना, तो फिर लगता है कि पैसे बहुत लग रहे हैं, लेकिन इन बिटवीन 200 पॉइंट के स्ट्राइक पर भी स्ट्रेस आता है इंट्राडे के लिए, इंट्राडे के लिए पोजिशनल वालों को 500 पॉइंट पे आता है। तो इंट्राडे के लिए आप 41,800 पे आपका कॉल राइटर खड़ा है 90,00,000 शेयर का, 41,700 पर 70,00,000 शेयर का, ठीक है, इतनी दो स्ट्राइक प्राइस पर कॉल राइटिंग, और आप 41,900 पहुंच गए, तो अब जैसे जैसे आप 3,500 के नजदीक पहुंच रहे हैं 41,700 वाले कॉल राइटर की उम्मीदें खत्म हो रही है जी, बिल्कुल बिल्कुल कि मैं पैसा बना पाऊंगा या 41,700 पे, अब ये सोचने वाले लोग कम हो जाएंगे ना कि 41,700 पे क्लोज हो सकता है। आई थिंक उल्टा अपसाइड की जगह बन रही है, भले वो 100 पॉइंट की हो, तो आई थिंक एक बार तो शॉर्ट कवरिंग में 41,900 पे तक 42,000 कर ही देगा, बाकी देखेंगे आगे। ठीक है चलिए, थोड़ी देर में आप डेटा वैसे ही स्ट्रेटजी बताने ही वाले, बट बड़ा ब्रेकआउट आ रहा है बैंक निफ्टी में, नजर रखिए 41,900 के ऊपर। अब आइए हिमांशु जी की तरफ से एक और कॉल है तैयार, बिल्कुल उनके लिए हिटमैन हिमांशु। बताए सर। गुड आफ्टरनून टू यू दीप। दीप, रियलिटी स्पेस में भी इक्वली स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन है, और मुझे लगता है कि जिस हिसाब से डीएलएफ की क्लोजिंग आज होने की तैयारी है, ये अगले हफ्ते के लिए भी एक प्रोमिनेंट कैंडिडेट हो सकता है अपनी तेजी को एक्सटेंड करने के लिए। तो डीएलएफ के फ्यूचर्स में खरीदारी करके चल सकते हैं, 413-413.50 के आसपास के करंट लेवल्स हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 409 रुपए का, 422 रुपए और 430 रुपए के दो टारगेट्स मेरा ऐसा मानना है यहाँ पर एक से दो दिनों में आ सकते हैं। काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट फॉर्मेशन है, और अगर आज 413-414 रुपए के ऊपर बंद होता है तो मुझे लगता है और यहाँ से 10-15 रुपए तक का मूव एक से दो दिनों में देखने को मिलेगा। डीएलएफ में खरीदारी करके चलने की सलाह है, डीएलएफ में खरीदारी करके चलने की सलाह है। तो रेट सेंसिटिव, वहीं पर आपको मोमेंटम दिख भी रहा है और मूव भी अच्छी आ रही है, अच्छा मोमेंटम पकड़ रहा है। जैन साहब से बात भी करनी थी, ये जो रूरल डिमांड की बात हो रही है, जैन साहब वैसे तो एक डर था कि रूरल डिमांड पर इन्फ्लेशन, लो मानसून का इम्पैक्ट आ सकता है, बट ऑटो डीलर्स की तरफ से तो अलग ही कहानी निकल कर आ रही है सर। बहुत अच्छी एनालिसिस है, और इसके साथ मैं भी बहुत सारे आपको इनसाइट्स देने की कोशिश कर रहा हूँ जो कि मेरे चैनल चेक से मैं बोल रहा हूँ, और काफी देखते हैं रूरल सेक्टर के साथ टच में रहता हूँ मैं वैसे भी। तो देखिए ये ट्रैक्टर्स वाली जो चीज है, इसके ओवरऑल देखिए इन्फ्लेशन की रेट गिरना, फिर रेट हाइक नहीं होना, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि जो रूरल मार्केट है वो रेट सेंसिटिव होता है काफी, और क्रूड ऑयल की रेट सेंसिटिव होता है। क्रूड ऑयल भी नीचे आया तो उससे भी ऑटो डिमांड पे फर्क पड़ता है। एक चीज होगी कि भाई ऊपर अब जाना नहीं है क्रूड ऑयल, और एक नीचे के लेवल पे बेस बना रहा है या नीचे भी आ सकता है, उसका भी बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा। सो इन्फ्लेशन, क्रूड ऑयल, रेट हाइक नहीं होना, रेट सेंसिटिविटी जनरली रूरल पब्लिक में ज्यादा होती है, और प्लस उससे भी ऊपर जो मुझे लग रहा है अभी एक रियल एस्टेट में एक अच्छी खासी बूम आई हुई है। हम देखते तो रूरल मार्केट्स में क्या होता है, जो रूरल डिमांड होती है, जिनके पास ट्रैक्टर्स होते हैं, खेती वाले होते हैं, अगर वहां पे रियल एस्टेट में अगर हाइक होती है और वो लोग अगर छोटी से भी अपनी लैंड का एक टुकड़ा बेचते हैं तो उनके पास एक बहुत बड़ी लिक्विडिटी आती है। तो ऐसा मेरा मानना है कि रेट रियल एस्टेट का भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट वहां पड़ा है, और अभी अच्छे खासे रेट्स ओवरऑल हम देखते हैं तो बढ़ रहे हैं रूरल मार्केट्स में भी एग्रीकल्चर लैंड के। So, ये एक बहुत बड़ा इंपैक्ट देता है रूरल डिमांड में। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्वराज इंजिन्स है, बीएसटी टिलर्स है जो मैंने भी रिसेंटली रेकमेंड किया था, एस्कॉर्ट्स, एमएनएम, आइशर और इवन मारुति। देखिए अगर रूरल इंडिया से अगर कोई फोर व्हीलर कंपनी को रिलेट करना है तो मारुति इज वन स्टॉक मैं जिसको बहुत ज्यादा रिलेट करता हूँ, क्योंकि मैं रूरल इंडिया से ही बिलोंग करता हूँ। तो मैंने देखा हुआ किस तरीके से मारुति की एक ज्यादा वहां पे चाह रहती है, और बाइक्स और टू व्हीलर, सबसे पहले वो लोग टू व्हीलर लेते, उसको भी देखिए हम लोग बाइक को भी गाड़ी बोलते हैं, बोला भाई गाड़ी लिया आज, क्योंकि
ऐसा एक जनरली रूरल इंडिया में देखने को मिलता है। तो मुझे लगता है कि मारुति एज अ फोर व्हीलर स्टॉक इट्स लवली, चार्ट्स पे भी बढ़िया, वैल्यूएशंस के लिहाज से भी बढ़िया और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से भी बढ़िया है। तो मेरे हिसाब से ये सारे इनसाइट्स है मेरे इस पर्टिकुलर न्यूज पे। कुणाल जी के लिए एक सवाल है मेरा मासूम सा, कहाँ है कुणाल जी? कुणाल जी, क्या गुलाबी शहर में रहने वाला आदमी रूरल इंडिया का माना जाएगा? जैन साहब ने कहा मैं रूरल इंडिया का आदमी, कैसे हुआ मैं? जी जी अनिल जी, देखिए वैसे तो आप मान सकते हैं अनिल जी, कई सारे लोग वहां पर रहते हैं और उनका गांव से टच रहता है, लेकिन हमारे जैन साहब का अनिल जी कॉस्मोपॉलिटन नेचर है। अनिल जी इनकी वेशभूषा देखिए, इनकी स्टाइल देखिए, अनिल जी कोई मान ही नहीं सकता कि अनिल जी इनका ग्रामीण भारत से कोई संबंध है, लेकिन अनिल जी इनको समय समय पर जाना पड़ता है कई जगहों पर, ये मुझे जरूर पता है, बट इनको देख कर अनिल जी कोई नहीं कह सकता। आप और हम सेम पेज पे, बराबर हमारी सोच तो मिलती जुलती, ठीक है। तो जैन साहब आप ग्रामीण भारत के बिल्कुल भी माने नहीं जाएंगे, बिल्कुल। अच्छा, और कहीं भी जाते आते भी तो वो मतलब बाई रोड जा रहे, रास्ते में गांव आ जाए इसका मतलब नहीं आप ग्रामीण इलाके के, उसको ग्रामीण इलाके का बिल्कुल भी नहीं समझा जाए। अच्छा, जहाँ जैन साहब भाषण देने जाते भी हैं वो तो सारे बड़े बड़े शहर ही हैं। हाँ, भाषण देने भी जाते तो बड़े शहरों में जाते, तो छोटा कैसे मानेंगे हम? नहीं मानेंगे। जी बंसल जी, आपको जैन साहब को कोई राय देना चाहते हैं? जी बंसल जी डायरेक्टली दे दीजिए। नहीं अनिल जी, जैन साहब एकदम मल्टी टैलेंटेड है। अनिल जी कुछ शब्द तो मेरे दिमाग में है, पता नहीं वो ठीक है गलत है। मल्टी टैलेंटेड अनिल जी, ये तो गलत जगह पे बैठे हुए हैं, मतलब कि राजस्थान करते हैं अगर ये बॉम्बे वगैरह में, अनिल जी महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ होता तो ये आज बॉलीवुड में आ रहे होते, अनिल जी सुपरस्टार वगैरह होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब, देखो आजकल आईपीएल और ओटीटी के जमाने में देश दुनिया में कहीं भी प्रतिभा हो बाहर आई जाती, छुपती नहीं है ना, ओटीटी में छुपती है ना आईपीएल में छुपती, करेक्ट? बिल्कुल। चलिए, तो जैन साहब की प्रतिभा तो आप देख ही चुके, खड़ा तबला बजाना कोई आसान काम थोड़ी है। क्या बोलते उसको, उनका जेम्बो है ना? हाँ, बहुत बढ़िया। चलिए तैयार, उसके बाद 2:30 की स्ट्रेटजी भी। सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स देने से पहले बता दूं 17,801 सुमित जी के लिफाफा लेवल पर है नॉट आउट निफ्टी, और बैंक निफ्टी 41,900 के पार करके आराम से टिकता हुआ। मुझे भी जल्दी तो है 2:30 की स्ट्रेटजी देने के लिए, लेकिन परंपराओं का निर्वाह करते हुए पहले बिगुल सेठी साहब के लिए। स्वागत है आपका सेठी साहब। ये तो गेस करना आसान काम है, आपके बाय कॉल्स ही होते होंगे भी, दोनों ही कैश मार्केट के ही आज भी? हाँ, गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी दोनों स्टॉक्स कैश मार्केट के, फ्यूचर्स के तो अनिल जी आज सुबह शो पे था तब दे दिया, बैंक स्टॉक्स पे बुलिश था, अच्छा कर रहे हैं सब, HDFC ICICI यस हम आपको अभी याद कर भी रहे थे कि आज तो सेठी साहब सारे इंडेक्स हेवी वेट्स देकर गए, और देखिए रिकवरी भी बड़ी शानदार आती दिख रही है आपके आते आते, ज्यादा नहीं सर खाली 400 पॉइंट ऊपर है बैंक निफ्टी, आ गया दीप 41,975 टारगेट आ गया। और इसीलिए आज आपको एक चीज और भी याद होगी, सुबह हम ये बात कर रहे थे कि बेचने के लिए जम नहीं रहा कि कहाँ बेचा जाए, याद है 42,000 के आसपास के पहले बेचना जम नहीं रहा। यस, आज पूरा क्लियर ट्रिगर आ रहा था नीचे बेचने में, वो कम्फर्ट कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, वो यहाँ से नहीं दिख रहा था, इसलिए मैंने कहा आज मुझे क्लियर समझ नहीं आ रहा। 150 पॉइंट की मूव जो पकड़ी है शो के नहीं दिख रहा है, डेटा में दिख रहा है। एनीवे, चलिए आइए पहले जल्दी से एक बार सेठी साहब से पूछा जाए, पहली पिक बताएं सर। अनिल जी, जो आज का पहला स्टॉक है एक किचन अप्लायंसेस कंपनी है, स्टॉक का नाम है स्टोव क्राफ्ट, जो अभी 377 के लेवल पे ट्रेड करता है, शॉर्ट टर्म टारगेट है 395, स्टॉप लॉस रखना 370 रुपए का। अनिल जी भारत की सबसे बड़ी किचन अप्लायंसेस बनाने वाली कंपनी है, जिसके 34,000 से ज्यादा डीलर्स है, फिर 14 से ज्यादा देशों में प्रेजेंट है, एक्सपोर्ट करती है कंपनी, और काफी पॉपुलर ब्रांड्स है, एक तो इनका पिजन नाम का ब्रांड है, गिल्मा नाम का ब्रांड है जो कॉमन मास पब्लिक के लिए है, और एक ब्लैक प्लस डेकर है जो प्रीमियम सेगमेंट को कैटर करने वाला ब्रांड है। फिर इन्होंने हाल ही में एक स्कावा इलेक्ट्रिक प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी को एक्वायर किया है, जिसके थ्रू ये अब LED बल्ब्स है, ऑक्सीमीटर्स है, MCBs, स्विचेस, सॉकेट्स, इन सब सेगमेंट में भी आ रहे हैं, तो वहां से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है। बाकी इनके प्रोडक्ट्स वॉलमार्ट को भी सप्लाई करते हैं, टारगेट, बेस्ट बाय, इन सब स्टोर्स को भी सप्लाई करते हैं। फंडामेंटल्स दमदार है, रिटर्न रेशियोज बहुत अच्छे हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी क्लोज टू 26%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 29%, एक
लो डेट कंपनी है, 0.17 का डेट इक्विटी रेशियो है। मुझे लगता है करंट लेवल्स में इस स्टॉक को बिल्कुल खरीदना चाहिए। मेरा इसमें शॉर्ट टर्म टारगेट है 395 और स्टॉप लॉस है 370 का। ओके, तो स्टॉक क्राफ्ट पहला स्टॉक है, और दूसरा जॉनी जी आपका दूसरा स्टॉक है वो पेपर सेक्टर से है। स्टॉक का नाम है शेषशाही पेपर, जो अभी 260 के लेवल्स में ट्रेड करता है। शॉर्ट टर्म टारगेट है 275, स्टॉप लॉस 254। पेपर स्टॉक्स पे एक अच्छी तेजी चल रही है, पूरा सेक्टर ही फोकस में है, और हम देख रहे हैं कि इस क्वार्टर में भी पेपर कंपनीज ने अपने प्राइजेस बढ़ाए हैं, जो कि इनके इस क्वार्टरली नतीजे में देखने को मिलेगा। और जब से ये एक तो ई कॉमर्स की पैकेजिंग में, फिर आपके सिंगल यूज प्लास्टिक बैन होने की वजह से, स्कूल्स वगैरह के डिमांड से, ये पेपर सेक्टर बहुत ही अच्छा कर रहा है। और ये कंपनी एक जीरो डेट कंपनी है विद वेरी स्ट्रांग फंडामेंटल्स। दिसंबर तिमाही भी बहुत अच्छी थी, 109 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया, जो पिछले साल दिसंबर तिमाही में सिर्फ 5 करोड़ का पैट था। बाकी वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत ही सस्ता है, 5 के मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड करता है, जबकि इंडस्ट्री एवरेज वुड बी क्लोज टू 14-15। और अच्छी खासी FISDIS की हिस्सेदारी है, 25% स्टेक ओन करते हैं। मुझे लगता है ये स्टॉक भी यहाँ से अच्छा करेगा। और बाकी के भी जो पेपर स्टॉक्स जो मैंने कई बार रिकमेंड किए हुए, जैसे तमिलनाडु न्यूज प्रिंट है, वेस्ट कोस्ट पेपर, जेके पेपर, सब अच्छा कर रहे हैं, ये स्टॉक भी अच्छा करना चाहिए। तो यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह, 275 का टारगेट, 254 का स्टॉप लॉस। के तो ये है आयसरी साहब, आप जरा लाइन पर रहिए, एक बार मैं जरा बंसल जी से राय लेना चाहता हूँ। बंसल जी, स्टॉक क्राफ्ट सेठी साहब ने रिकमेंड किया है अभी 500 रुपए के टारगेट, और आपने सुना भी होगा रिसर्च के साथ रिकमेंड किया है, क्या क्या आप प्रोडक्ट ये बनाते हैं, किन किन ब्रांड में बनाते हैं, क्या आपको ये सब मालूम था कि स्टॉक क्राफ्ट इतनी इस तरह के प्रोडक्ट सारे बनाता है, इतनी ब्रांड्स बनाता है, ये ब्रांड के नाम है? जी अनिल जी, बिल्कुल मालूम था, इसको ब्रांड भी करा हुआ था जब इसका IPO आया था, पूरा पड़ा हुआ था। बट अनिल जी, ऑन अ पर्सनल फ्रंट ना, मुझे प्रोडक्ट अनिल जी हैफले के पसंद है, जर्मन कंपनी है, उसके ज्यादा पसंद है, उसी के यूज कर रहा हूँ मैं। और उसका अनिल जी एक कारण तो ये है, वो MNC अनिल जी जर्मन बेस्ड, और दूसरा कारण ये है अनिल जी, जब मैंने लिए थे प्रोडक्ट तब मुझे स्टॉक क्राफ्ट के बारे में मालूम भी नहीं था। चलिए बढ़िया, तो स्टॉक क्राफ्ट। अच्छा, जैन साहब भी कुछ कहना चाहते हैं। जी जैन साहब, सेठी साहब को कल मैं बहुत याद कर रहा था, सेठी साहब को सुबह जब मैं जैन साहब के जैन से पूरी शुगर्स की रोड दिया था। हाँ। तो शेषशाही पेपर की ग्रुप कंपनी और मैंने शेषशाही का भी नाम लिया, तो अभी वापस। अच्छा, ग्रुप कंपनी रिकमेंड की, इसके लिए भी धन्यवाद। ये नया स्टाइल भाई साहब, ऐसे तो किसी ने टाटा स्टील किया, टाटा केमिकल, टाटा मोटर्स, लखनऊ के नवाबों की तरह। पहले आप मैं पूरे शो में धन्यवाद प्रस्ताव ही पारित होते रहेंगे। कुणाल जी, क्या ये अनुमति दी जाए, मतलब ग्रुप कंपनी के लिए भी धन्यवाद कुणाल देना चाहते हैं संदीप जी, उचित है? अनिल जी देखिए, ये बिल्कुल संदीप जी का अनिल जी तरीका है। तो पहली बात तो अनिल जी, संदीप जी की PR स्किल्स अमेजिंग है। अनिल जी, अभी मैं उनको संदेश भी भेज रहा था कि ये संदीप जी किसी तरह कभी समय निकाल कर के हमें भी ये अपना कौशल सिखा दें। अनिल जी जबरदस्त PR स्किल्स हैं, तो ये धन्यवाद देकर, थैंक यू कर करके अनिल जी, संदीप जी सबका मन मोह लेते हैं। अनिल जी अब समय नहीं, मेरे को दूसरा कारण ज्यादा लगता है। ये इतने सारे तकनीकी एक्सपर्ट है ना, इन सबके बीच में अकेले फंस गए सर जैन साहब। जैन साहब का नंबर तो आता नहीं है बोलने का। अच्छा, उनको हर दो दो मिनट में कॉल देनी नहीं है। अच्छा, तो जैन साहब बोला कि मैं अंदर घुसू कैसे, बोले चलो सेठी साहब ने ग्रुप कंपनी को दिया, उसी में बोल दिया जाए। यही है बात। चलिए आइए इसी नोट पर 2:30 की स्ट्रेटजी, 2:30 की स्ट्रेटजी अंजी की तरफ से। कुछ बदला नहीं है सर, डाउ फ्यूचर्स, नैसडैक फ्यूचर्स हल्की फुल्की बढ़त के साथ ही ट्रेड कर रहे हैं, और यूरोप के बाजार ठीक ठाक है, अच्छा एक्शन है, रुपया मजबूत है 18 पैसे, एशिया में भी ठीक एक्शन था, हमारे बाजार ऑफ कोर्स डेज हाई पर है। बैंक निफ्टी आपके ऑलमोस्ट टारगेट पर आ गया 17,800 पर, निफ्टी क्या करना है सर? हाई बताओ बैंक निफ्टी का। हाँ, लग गया सर टारगेट, बताओ एग्जैक्ट 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 वाला बताओ, एग्जैक्ट वाला बताना, बिल्कुल विद टू डेसिमल्स। अच्छा, पूरा बताना, मतलब ऐसा मजा नहीं आता। अभी मैंने 968 का, नहीं नहीं एकदम बैंक निफ्टी का पूरा डे हाई का, आज का डे हाई 975 डेसिमल्स। हां, डेसिमल्स 0.00 0.00 एग्जैक्ट 41900 एग्जैक्ट।
बॉडी सो काइंड देख लो 41,900 वहीं जाकर पहुंचा एकदम एकदम डॉट बिल्कुल। तो आज का टारगेट हासिल हो गया। अब देखिए दो चीजें हैं। पहले मैं बैंक निफ्टी का विश्लेषण करूंगा। पहली चीज तो है कि अब आपके डाउनसाइड रिस्क जो है ना वो 41,700 41,800 में आके खत्म हो गई। ओके, तो इसके नीचे जाकर आप बंद नहीं होंगे। तो बंद होने में वर्स्ट केस सिनेरियो आपका क्या है 41,700 41,800 ठीक है सर, ये आप कंफर्ट ले लीजिए, जो कि अब यहाँ से 150-200 पॉइंट नीचे उतना तो लेके ही चलेंगे। अब 3 बजे तक के लिए नया लेवल देता हूँ। 3 बजे के लिए, अच्छा इतना छोटा भी। 42,000 42,075 42,000 क्रॉस करेगा। हाँ कर सकते मतलब ऑलमोस्ट 42,000 42,075 ये आखिरी आज के लिए अब बाधा बची है। यहाँ तक पहुंचेगा, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी, बिकवाली भी आएगी, इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। ओके, देखो क्या है, अच्छा है हम बोल रहे हैं तेजी हो रही है, तेजी होनी भी चाहिए, जो डेटा में दिख रहा है हम बोल भी रहे हैं, लेकिन अनाप शनाप भी नहीं चाहिए। 3 दिन का वीकेंड है, सो अब खरीदने के लिए रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। शॉर्ट कवरिंग ने आपको 975 करवा दिया, 42,000 42,075 जा भी सकता। अब अनाप ये, और ये ध्यान रखें कि ये मंथली क्लोजिंग नहीं है, वीकली क्लोजिंग है। वीकली क्लोजिंग में इतनी शॉर्ट कवरिंग नहीं चाहिए, राइट। मंथली होती तो अलग बात थी, लेकिन ये वीकली में भी इतना फास्ट मूवमेंट क्यों आया, उसकी बड़ी वजह ये कि दीप 3 दिनों का वीकेंड होने की वजह से लोगों को पोजिशन कम रखनी, शॉर्ट वालों को भी और लॉन्ग वालों को भी, और इस वजह से ये मूवमेंट आपको फास्ट मिल गया। सो आई थिंक 42,000 42,075 स्पॉट लेवल, यानी कि यहाँ से 75 से 150 पॉइंट और अगर बढ़ता है, वहाँ हल्का फुल्का प्रॉफिट बुक करके शांति से बैठिए। फ्रेश खरीदारी 41,700 800 की रेंज में आए तो ही करिए, अभी नहीं करना है, ठीक है। और भले 42,000 के ऊपर टिके, जितना जाए जाने दीजिए, फ्रेश लॉन्ग नहीं बनाना है। डिसिप्लिन, जाम बनाने की जरूरत थी मैंने बोला भी आपको, वहाँ पर आराम से बैठिए, ठीक है, ठीक है ना। अगले हफ्ते के लिए टारगेट कुछ बढ़िया बढ़िया इंटरेस्टिंग निकल कर आ रहे हैं, बताऊँ मैं आपको अगले हफ्ते के लिए। अब जो इंटरेस्टिंग टारगेट निकल कर आएगा वो आएगा दी 42,375 से 42,500 के रेंज का बनेगा, यानी कि यहाँ से लगभग लगभग 400 से 500 पॉइंट की जगह खुल रही है बैंक निफ्टी में ऊपर के लिए अगले हफ्ते के लिए, वो देखेंगे, ठीक है। निफ्टी का जहाँ तक सवाल है 17,800 के आसपास आकर अटक रहा है, मेरे हिसाब से 17,800 के ऊपर बंद नहीं होना चाहिए, ठीक है, नहीं होना चाहिए। डेटा ये बता रहे हैं 17,800 पर 2.75 करोड़ शेयर खड़े हैं कॉल राइटर्स, जो बड़ा है। फिर भी अगर बैंक निफ्टी के जोर से निफ्टी अगर 3 बजे तक आज का हाई 17,825 27 जो है उसको पार करके टिक जाता है 3 बजे तक, तो बैंक निफ्टी भी फिर 17,875 आज दिखा सकता है, वहाँ से 50 पॉइंट और बढ़ सकता है, संभावना कम है। तो मैं अगर लॉन्ग करना ही होगा तो बैंक निफ्टी करेंगे, निफ्टी नहीं करेंगे, क्लियर है इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये आपके लिए क्रिस्टल क्लियर हो, ये तो मेरे को लग रहा है बैंक निफ्टी तो दीप कमाल ही करेगा, अभी भी ये नहीं रुक रहा है, नहीं रुक रहा है, वापस 41,900 लगता है। तो आपने अब दे दिया ना, अब आपने टारगेट्स दे दिए ना, 42,075 के भी ऊपर निकाल दे तो बड़ी बात नहीं, जिस हिसाब से मतलब वो मजबूरी वाली शॉर्ट कवरिंग जो होती है ना एकदम वो वाली खराब वाली शॉर्ट कवरिंग, एकदम फंसने वाली जिसकी नहीं होती है कि अब क्या होगा टाइप, वैसी शॉर्ट कवरिंग हो रही है, कुछ भी फिर कर सकते हैं। ये वीक मंथली एक्सपायरी होती तो मैं कह देता आपको अनाप शनाप लेवल हो सकता है, लेकिन मंथली नहीं है, वीकली मंथली में फर्क होता है, लंबा वीकेंड है, लेट्स सी क्या होता है। ओके, बढ़िया मूव आ रही है। चलिए बैंक्स पर रखिए नज़र, 400 पॉइंट की गेंस अभी भी होल्ड कर रहे हैं। कोल्टे पाटिल की तरफ से रियल एस्टेट स्टॉक्स में हमारा फोकस बना ही हुआ है, कोल्टे पाटिल की तरफ से अपडेट आ रहा है, Q4 में बिक्री अच्छी बढ़त दिखा रही है, रियलाइजेशंस भी 13% बढ़कर आई है, तो अच्छा अपडेट कोल्टे पाटिल की तरफ से आ रहा है। Q4 अपडेट अगर आप इनका देखें, सेल्स वॉल्यूम में 25% की बढ़ोतरी रही है, बढ़िया अपडेट है। चलिए सेल्स वॉल्यूम 25% बढ़ा है, रियलाइजेशंस आपकी 13% बढ़कर आई हैं, कलेक्शंस में भी 18% की बढ़ोतरी हुई है, तो रियल एस्टेट का एक और काउंटर जिसकी तरफ से बढ़िया अपडेट्स आपको आते हुए दिखे हैं। पर आज इंश्योरेंस स्टॉक्स फोकस में है, कुछ काउंटर्स सुबह अच्छे से बज भी कर रहे थे, अभी भी कुछ काउंटर्स गेंस होल्ड कर रहे हैं, HDFC लाइफ देख लीजिए 2.5% ऊपर ही ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इंश्योरेंस सेक्टर की नतीजे कैसे रहने वाले हैं इसका अनुमान भी एक बार लगाया जाता है, वरुण है हमारे साथ तैयार, वरुण बताइए कैसी रहेगी परफॉर्मेंस नतीजों के लिहाज से। तो नतीजे अच्छे रहने वाले हैं, और कुछ रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था जो कि कह रहे थे कि जो टैक्स में बदलाव हुए हैं बजट में उसके चलते काफ़ी हद तक प्री बाइंग हुई है इंश्योरेंस सेक्टर में, और उसका इम्पैक्ट आपको इस बार इंश्योरेंस सेक्टर के नतीजों पर देखने मिलेगा। VNB मार्जिन जो है उसमें अच्छी बढ़ोतरी रहने वाली है, इसके अलावा एन्युटी और नॉन पार और क्रेडिट लाइफ सेगमेंट जो है उसका प्रदर्शन बेहतर रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। प्रोटेक्शन का जो कारोबार है जो थोड़ा ढीला था वहाँ पे धीरे धीरे सुधार जो है वो होते जा रहा है, नो डाउट थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव जो है बाजार में देखने मिला था, इसके लिए यूलिप का जो कारोबार है वहाँ पे सुस्ती आपको देखने मिल सकती है।
एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसीआई प्रू, मैक्स लाइफ के एपी में करीब 30-35% के आसपास की बढ़ोतरी का अनुमान है। एसबीआई लाइफ में सालाना आधार पर 11% के आसपास की बढ़ोतरी हो सकती है। Q4 में जनरल इंश्योरेंस की ग्रोथ जो है क्यूमुलेटिव करीब 20% के आसपास की ग्रोथ बनी रह सकती है। चौथी तिमाही में हेल्थ सेगमेंट जो है यानी कि ओवरऑल हेल्थ इंश्योरेंस, उसमें करीब 38% के आसपास की ग्रोथ देखने मिल सकती है। मोटर सेगमेंट, मोटर इंश्योरेंस में 10% से ज़्यादा की ग्रोथ का अनुमान वहाँ लगाया जा रहा है। हेल्थ क्लेम रेशियो जो है उसमें क्लेम की संख्या गिरावट होने से सुधार जो है उसकी संभावनाएं यहाँ पे काफ़ी हद तक लगाए के चल रहे हैं एनालिस्ट। स्टार हेल्थ के मुनाफे में ग्रोथ होने की उम्मीद है। वहीं आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस जो है उसका मुनाफा इस तिमाही जो है थोड़ा बहुत फ्लैट रह सकता है। तो कुछ प्री बाइंग के चलते बीमा के जो प्रीमियम्स है उसमें आपको बढ़ोतरी देखने मिलेगी, बाकी ओवरऑल सेक्टर जो है वहाँ ठीक ठाक ग्रोथ आपको देखने मिल सकती है। इंश्योरेंस में ठीक ठाक ग्रोथ दिख सकती है, ठीक है। जैन साहब, कोई पिक्स इंश्योरेंस स्पेस से? सेक्टर को लेकर मैं प्रोडक्ट को लेकर बहुत बुलिश हूं कि हेल्थ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, टर्म प्लान ये सब बहुत बिकेंगे। बट मैं जो इस सेक्टर में जो डिसरप्शन होता है और जो कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी है वो बहुत स्ट्रांग है, तो ओवरऑल वैल्यूएशंस के लिहाज से कोई बहुत ज्यादा सस्ते नहीं है स्टॉक्स। PSU इंश्योरेंस स्टॉक्स में पता नहीं क्यों एकदम नहीं चलते हैं सारे के सारे, भले वो जनरल वाले हो या री इंश्योरर हो हमारे GIC या फिर LIC है जहां पे काफी लोग ऑलरेडी पीड़ित हैं। बट फिर भी मैं यही कहूंगा कि ICICI लोम्बार्ड मुझे संभाव थोड़ा सा एज कम्पेयर टू अदर्स थोड़ा सही लगता है। और बाकी देखिए आप बजाज फिनसर्व देख सकते हैं, वहां पे भी इनकी वो है, तो ओवरऑल एक्सट्रीमली बुलिश नहीं हूँ क्योंकि ये एक फिनटेकनेस जो है इंडस्ट्री में, और फिनटेक वाले जब आते हैं तो बहुत बड़ा डिसरप्शन आता है और इस तरीके की कंपनियां बहुत सारी पाइपलाइन में, कई प्योरली ऑनलाइन इंश्योरेंस वाले हैं जो लिस्टेड प्लेयर्स नहीं है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा टफ है मतलब यहाँ पे पैसा बनाना। सेक्टर ओवरऑल इज गुड बट समहाउ कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी की वजह से पर्टिकुलरली शेयर्स में बहुत ज्यादा मुझे प्रॉमिसिंग रिटर्न्स होते हुए नहीं दिखते। बाकी एक चीज और है, LIC बहुत करेक्ट हुआ हुआ है, कुछ तो अडानी सागा को लेकर भी यहाँ पे भी इम्पैक्ट पड़ा। जिन्होंने ले रखा LIC वो बिल्कुल डरे नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्ग रन में इसके भाव आएंगे, तो होल्ड करके रखें ऐसा मेरा मानना है। ओके, तो ये है LIC जिसमें बने रहे। चलिए, इंटरेस्टिंग व्यू जैन साहब की तरफ से, रखेंगे LIC पर नजर और इंश्योरेंस नतीजों के लिहाज से अच्छा एक्शन इसमें। जैन साहब जी, कभी LIC आपके जैन साहब के जेम्स में आएगा ये? अनिल जी लाऊंगा, आप बोलोगे नहीं लाया था, मुझे पता नहीं कितनी हिम्मत से लाया था और वो दोपहर के शो में लाया था, वो भी मैं 9:30 वाले शो में, तो मैं नॉर्मली लाया था ITC में दोपहर 2:05 का बहुत तब लाया था। तो जनरली मैं OFSS और ITC ये दो स्टॉक्स है जिनको मैं बड़े स्टॉक्स में रेकमेंड किया हूँ, तो ये जेम स्टॉक तो नहीं है बट भारत का जेम तो ही है, सो लेट्स सी। बट मैं जेम्स में नहीं लाऊंगा, ये बात पक्की है मेरी तरफ से, क्योंकि मैं जो अंडर रिसर्च अनसंग हीरोज है उन पे मेरी मैं फोकस और मेहनत को पूरा देता रहूंगा, सो दैट मैं बेहतर आइडियाज लेके आऊं अपने चैनल। नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है, मतलब वो होता है ना वो कौन सा हैशटैग जस्ट आस्किंग बहुत लोग करते हैं, मतलब हाँ, जिसमें लोगों को देनी ओपिनियन होती है लेकिन ओपिनियन ऐसे देते हैं जैसे दूसरों को पूछ रहे हो। कभी आप में से किसी ने इस हैशटैग का इस्तेमाल किया है, हैशटैग जस्ट आस्किंग? नहीं किया। चलो कोई बात नहीं, कभी दूसरे जो करते हैं उन्हें देखिए, हैशटैग जस्ट आस्क, वो लोग अपना देते हैं अपनी ओपिनियन लेकिन इस तरह से देते हैं जैसे आपसे पूछ रहे हैं एंड में उसको आप मेरी हाँ में हाँ मिलाओ, काइंड ऑफ वैसा हैशटैग जस्ट आस्क। ओके, आइए, नितिन जी है तैयार हमारे साथ फोन लाइन पर, बिगुल के साथ किया जाए उनका स्वागत। नितिन जी सुस्वागतम, बताएं सर क्या है इरादा? देखिए निफ्टी अभी 17,800 स्पॉट पे है और इसी लेवल पे मैक्सिमम कॉल्स का ओपन इंटरेस्ट है और पुट्स का भी ओपन इंटरेस्ट है, बट अभी लास्ट 1.5 घंटे में बाउंस आई है तो ये शॉर्ट कवरिंग थोड़ी आ सकती है, रिस्क लेकर के ट्रेड किया जा सकता है। 17,800 की कॉल ऑप्शन जो 14 में मिल रही है, 17,800 की कॉल ऑप्शन 14 में मिल रही है, इसका स्टॉप लॉस होगा 5 रुपए का, यानी हम 10 रुपए रिस्क रख रहे हैं और टारगेट इसके 32-35 रुपए ऐसे हो सकते हैं, क्योंकि मार्केट गिर नहीं रही है और इसी लेवल पे जहाँ पे मैक्सिमम कॉल्स का ओपन इंटरेस्ट है मार्केट वहीं ट्रेड हो रही है, 17,800 5-6 है, तो एक शॉर्ट कवरिंग 1.5 घंटे में मिल सकती है।
तो 15 में मिल रही है, 14-15 मिल रही है, 5 का स्टॉप लॉस रखिएगा, 10 रुपया रिस्क है, 30-35 रुपए का टारगेट हो। जय हो, क्या बात है नितिन जी, भी आज हीरो है, जीरो कॉल लेकर आए आपके लिए। 17,800 का एट द मनी कॉल ऑप्शन खरीदिए, 14 रुपये में 5 रुपये का स्टॉप, 10 की रिस्क है, 32-35, यानी कि 14,827 का जो आज हाई है, लगभग उसके आसपास स्पॉट लेवल पर पहुंचे तो 830-835 हो जाएगा, वहां पर धन्यवाद कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद हम अभी फिलहाल करते हैं नितिन जी का, और स्वागत करते हैं श्रीकांत जी का। श्रीकांत जी भी हमारे साथ हैं तैयार, और श्रीकांत जी भी जुड़ चुके हैं, जरा एक बार उनसे भी उनकी पसंद के स्टॉक लिए जाएं। पहले तो श्रीकांत जी से पूछ लिया जाए, श्रीकांत जी अगर आपकी बिगुल की फरमाइश है तो बताएं, नहीं तो मेरी तरफ से तो सवाल तैयार है। नहीं बिल्कुल बिल्कुल बिगुल बजाया जाए, बिल्कुल श्रीकांत जी के लिए बिगुल। फरमाएं सर। बिल्कुल, तो सबसे पहले तो दीपांशु, अनिल जी, आप दोनों के लिए गुड आफ्टरनून। आप दोनों के लिए दीप और मेरी तो उम्मीद ही जग गई कुछ तोहफा आया है, उसका रीजन ये है। और बाकी छोड़ो, अरे हमारे तो उम्मीद ही जगी छोड़ो, बाकी एक दो एनलिस्ट में देख रहा था चेहरे ऐसे लटक गए, इन दोनों के लिए, हमारे लिए कुछ नहीं क्यों मंजिल जी? देखिए सभी सभी पहले अनिल जी, मेरा चेहरा तो लटका नहीं अनिल जी, और मेरी नजर कंप्यूटर पर थी, तो कौन है हमारे साथी जिनका चेहरा लटक गया? और चलिए किसी का तो लटका है, चलो। हाँ, अब बताइए क्या लाए हैं गिफ्ट, बताएं सर। गिफ्ट तो मुझे लगता है कि देखिए आपने दे दिया है ऑलरेडी, बैंक निफ्टी के ऊपर व्यू देखे जी, और बैंक निफ्टी को आपने 42,000 तक पहुंचा दिया है। कई सारे स्टॉक्स इनफैक्ट देखा जाए तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, वन बाय वन बढ़ते जा रहे हैं, इंश्योरेंस, एएमसी, साथ साथ बैंक स्टॉक्स, एनबीएफसी, सभी में परफॉर्मेंस है। बट मुझे लगता है कि जो लार्ज कैप बैंक स्टॉक्स है वहां पे अभी भी काफी सारी अपसाइड बाकी है। स्पेसिफिकली देखा जाए तो एक्सिस बैंक, जिसे करंट लेवल से लॉन्ग किया जा सकता है, जो तकरीबन 855-857 के करीब ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे काफी अच्छा एक राउंडिंग बॉटम जैसा फॉर्मेशन बन रहा है, जो इंडिकेट करता है कि शायद ये स्टॉक 900 के लेवल्स तक भी जा सकता है, लेकिन विद अ वेरी शॉर्ट टर्म व्यू मुझे लगता है करंट लेवल से अगर लॉन्ग करते हैं तो स्टॉप लॉस रखेंगे एट 847, यानी 10 रुपए का स्टॉप लॉस रखें, और टारगेट्स रख सकते हैं हम 875 से लेकर 880 के। तो एक्सिस बैंक को लॉन्ग करें, और साथ ही साथ मुझे लगता है कि पीएसयू बैंक्स में भी फोकस करें, और वहां पे कैनरा बैंक का एक जो मोमेंटम है वो काफी अच्छा लग रहा है, वहां पे एक राउंडिंग बॉटम इसमें भी बना हुआ है, और ये भी स्टॉक हमें लगता है कि शायद यहाँ से 300-305 के लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल से 290 में कैनरा बैंक को भी लॉन्ग करें, और स्टॉप लॉस रखें एट 285 के करीब का। ओके, तो ये है आपके लिए बैंक्स की तरफ पर, बैंक्स पर भी श्रीकांत जी का पॉजिटिव व्यू, और दो दो व्यूज लेकर आए, तो एक्सिस बैंक जहां पर रखनी है नजर 875-880 के टारगेट के लिए, और फिर कैनरा बैंक जहां पर 300-305 के टारगेट्स आ सकते हैं, और एक्सिस बैंक में आप सुमित जी का धन्यवाद भी स्वीकार करें, थोड़ी देर पहले सुमित जी की तरफ से भी यहां पर कॉल आई थी खरीदारी के लिए। चलिए बैंक्स, अनिल जी 42,000 आ गया, आगे दर्शन करो, टारगेट हिट, वाह टारगेट हिट, 42,000-25,000-30,000। मजे की बात देखो दीप जी, ऐसा 40 डाउ ऑफ भग रहा हो, ये प्योर, ये है ना ऐसे मूव शॉर्ट कवरिंग के बहुत कम देखने को मिलते, कभी कभार आते हैं, आज तो कॉम्बिनेशन है। जब मैं शुरू करने बैठा ना तो मुझे नहीं पता था 41,800 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट, मैं कभी कभी क्या होता है आप वो अज्यूम करके चलते हैं लाइफ में, तो मैं अज्यूम करके चला था 42,000 पे होगा, जैसे ही मेरी नजर पड़ी 41,800 हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट और 41,835 पे ट्रेड कर रहा है, एग्जैक्टली दो बजे, वाह भाई क्यों? ये देखो, सो डेटा का कॉम्बिनेशन आपको जहाँ परफेक्ट मिल गया ना, और साथ में वीकली एक्सपायरी, बहुत ही बढ़िया, वंडरफुल, जबरदस्त सर, रीडिंग बढ़िया रही दोनों बार, जब शो की शुरुआत में आपने कहा कि 975 के लेवल्स आने चाहिए, और उसके बाद जब आपने 42,000-42,075 की बात करी, 42,050 का अभी हाई आपके लिए बैंक निफ्टी बना चुका है, तो दूसरा टारगेट भी आपके लिए हिट हो चुका है। आइए, बैंक्स पर तो फोकस है ही, बट अभी कुशल एक इंटरेस्टिंग रिसर्च लेकर आए थे कि कैसे ऑटोज में रूरल डिमांड अच्छी रह सकती है, अब उसके ऑपोजिट रिसर्च लेकर आ रहे हैं, और वो है लग्जरी कार मार्केट को लेकर। कुशल बताइए। देखिए, अब अर्बन पर फोकस करते हैं, और यहाँ पर जो सुपर अर्बन्स हैं, यानी कि जो काफ़ी लग्जरी सेगमेंट में डील करते हैं, वो कार्स खरीदते हैं, उनका इंटरेस्ट अब क्लियर कट सामने निकल कर आ रहा है। तो लग्जरी कार्स की जो सेल्स है वो
एक्चुअली हॉट केक्स की तरह बिक रही है। और यहाँ पर मैं लग्जरी कार की प्राइसिंग की बात करूँ तो 1 करोड़ से ज़्यादा की जो वैल्यू वाली कार्स हैं वहाँ पर बिक्री हो रही है। और ये अमाउंट आप आंकड़ा देखिए, 9,500 यूनिट्स पिछले 3 महीने में, यानी कि जनवरी फरवरी मार्च में यहाँ पर 9,500 पर मंथ, ऑलमोस्ट 3200 यूनिट्स लग्जरी कार्स की यहाँ पर बिकती हुई दिख रही है। इनफैक्ट पिछले साल से अगर आप कंपेयर करेंगे सेम पीरियड से तो वाईवाई बेसिस पे 10% की ग्रोथ हमें साफ तौर पर अभी आती हुई दिख रही है। और लग्जरी सेगमेंट में आज भी हमने देखा कि जो सुपर स्पोर्ट एसयूवी है लंबोर्गिनी उरुस एस, ये लॉन्च होती हुई दिखी है और इसकी एक्स शोरूम प्राइस है 3.8 करोड़। पर यहाँ पर जो कॉन्फिडेंस है लोगों का, जो खरीदारी का मूड है, वो कहीं भी डिप नहीं हो रहा है। इनफैक्ट आप मर्सिडीज को देखिए तो पहली तिमाही में ही इनकी जो बिक्री है 2 गुना से ज़्यादा बढ़ती हुई दिखी है। कुल मिलाकर लगभग 4700 यूनिट्स इन्होंने मार्च तक बेचे हैं, 17% की ग्रोथ साफ तौर पर यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब आप देखें तो कंपनी के पास 4000 यूनिट्स का ऑलरेडी एक ऑर्डर बैकलॉग भी है, यानी कि लग्जरी कार्स में जो आगे आने वाली डिमांड है वो भी इंटैक्ट है, वहाँ पर कहीं भी धीमेपन के संकेत नहीं नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट ऑडी इंडिया ने 63% की बढ़त दिखाई है और 476 यूनिट्स यहां पर भी बेचे हैं। और बीएमडब्ल्यू के भी लगभग 2400 से ज्यादा यूनिट्स फर्स्ट क्वार्टर में, यानी कि कैलेंडर ईयर 2023 के यहाँ पर बिक्री होते हुए दिख रहे हैं। तो अक्रॉस द बोर्ड चाहे कोई भी कंपनी हो, यहाँ पर जबरदस्त डिमांड है और लग्जरी कार्स की डिमांड है। तो रूरल डिमांड भी स्ट्रॉन्ग है, लग्जरी कार मार्केट भी। और ये एवरेज क्या प्राइस आते हैं गाड़ी के, जो 1 CR प्लस, 1 करोड़ प्लस की गाड़ी, 1 करोड़ से ऊपर है तो ये लग्जरी मानी जाएगी। अच्छा, अल्ट्रा कोई कोई आदमी 20-30 लाख को भी लग्जरी माने तो वो सर उसको अपनी गलतफहमी दूर कर लेनी चाहिए, नॉर्मल हो गया। शेल के हिसाब से 1 करोड़ से नीचे की, आपके हिसाब से 1 करोड़ से नीचे की लग्जरी, मतलब यहाँ पे ये डेटा है सर, मतलब मैं डेटा की बात कर रहा हूँ, मतलब आपके हिसाब से तो नहीं है ना ये डेफिनेशन, मेरे हिसाब से तो 15 लाख भी ठीक है। हम आसपास ही है, ज्यादा दूर नहीं है। ओके, 1 करोड़, 1 करोड़ से ज्यादा ये गाड़ियों की इतनी डिमांड, इमेजिन सर, जरूर उत्तर भारत से ज्यादा आती होगी, मोस्ट लाइकली उत्तर भारत से ही होगी, उधर तो वैसे चलन भी है कि भाई अच्छी बड़ी गाड़ियां होनी चाहिए। अच्छा, ओके, दिल्ली की, दिल्ली पंजाब, यहाँ खास वजह कि ऐसी उत्तर भारत में लोग लग्जरी गाड़ियां ज्यादा पसंद करते हैं। बंसल जी, सुन पा रहे हैं आप? जी अनिल जी, नहीं अनिल जी सुन पा रहा हूँ। अनिल जी पहले तो एक चीज ऐड करना चाहूंगा, आपका भी उत्तर दूंगा अनिल जी। पहला तो ये है कि 1 करोड़ से ऊपर वाली नहीं अनिल जी, ये जो BMW की X1 हटा दे अनिल जी, उसके ऊपर की सारी गाड़ियां BMW, मर्सिडीज, JLR की अनिल जी सब मतलब की लग्जरी में आती हैं और उनकी सेल अनिल जी 1 करोड़ से कम वालों की सेल ज्यादा है। और अनिल जी नॉर्थ इंडिया स्पेशली अनिल जी पंजाब में क्या कल्चर है कि आपके पड़ोसी ने अगर एक गाड़ी ले ली तो आदमी के पास दिक्कत हो कुछ हो वो 2 गाड़ियां लेकर अनिल जी खड़ी करता है। अच्छा, तो पार्किंग पे भी, घर के बाहर की पार्किंग पे भी कब्जा करना होता है और एक अलग स्टाइल होता है अनिल जी, तो नॉर्थ इंडिया का अनिल जी अलग कल्चर है। और अनिल जी आप यूपी में देखेंगे, कानपुर में लग्जरी गाड़ियों की काफी मतलब की खपत है, पंजाब में लुधियाना और अब तो छोटी छोटी जगह पे अनिल जी मतलब की डिमांड आ रही है। तो ये नहीं है अनिल जी कि 1 करोड़ से ऊपर की गाड़ियां लग्जरी में आती है, X1 को अनिल जी थोड़ी गरीबों वाली लग्जरी माना जाता है और जो पुशअप होते हैं 15-20, ऐसे तो अनिल जी किसी को भी लग्जरी मान ले, ऊपर की गाड़ी अनिल जी मतलब की जो 40-45 के ऊपर वाली सारी गाड़ियां लग्जरी में आती है अनिल जी। X1 किसकी है? BMW। X1 गरीबों वाली लग्जरी, 60 लाख की आती है ना वो तो, 55 लाख। अनिल जी वो छोटी वाली गाड़ी है मतलब की ना, उसमें ना तो ड्राइवर होता है ना कुछ होता है, उसका मालिक ना ड्राइवर रखता है ना कुछ रखता है, संशोधित कर दूं। अनिल जी बंसल जी ने भी कहा कि अगर पड़ोसी ने बड़ी गाड़ी ली तो आपको भी लेनी पड़ती है। अनिल जी यहाँ पर तो ऐसा है कि अगर टीवी चैनल पर पड़ोस की खिड़की में बैठे हुए एनलिस्ट ने लिए तो भी जो खिड़की में दूसरा विंडो में दूसरा एनलिस्ट होता है उसको भी लेनी पड़ती है जी। इतना कंपटीशन, वाह जी। जैन साहब जी, नहीं नहीं बंसल जी का जो इंसाइट है वो थोड़ा अलग टाइप पर बढ़िया ही बोलूंगा, क्योंकि मुझे भी पता है लुधियाना जो है
लुधियाना सिटी, मतलब लुधियाना के लिए नो ऑफेंस, और वहां के व्यूअर्स देख रहे होंगे, बट लुधियाना पंजाब में ऐसी सिटी है जहां पे जबरदस्त लेवल पे बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज होती है, और हर घर में वहां पे एक वो मतलब जैसे बाइक होती है ना कई जगह, तो वहां पे होती है, तो मुझे ऐसा लगता है एक वो है। बट ओवरऑल टू बी ऑन द सीरियस नोट, लास्ट क्वार्टर में या लास्ट हाफ में लोग इसलिए खरीदते, क्वार्टर में खरीदते, आपको एक तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलता है, और बहुत बड़ा बेनिफिट होता है डेप्रिसिएशन का, इसलिए लोग लास्ट के क्वार्टर में ज्यादा खरीदते हैं कार्स। दूसरा देखिए, कंप्लायंस स्टैंडर्ड्स इंडिया में बहुत बढ़ गए, मतलब ओवरऑल हम देखें तो लोग जो मतलब कॉर्पोरेट्स में ज्यादा काम करने लगे हैं, टैक्सेशन ज्यादा बढ़ने लगे हैं, और अगर आप कंपनी में कोई भी चीज करते हो और आप जैसे अगर फंड्स अगर विड्रॉ नहीं भी कर सकते तो खर्चा करके, क्योंकि अगर हम फंड्स भी विड्रॉ करें और इंडिविजुअली भी अगर हम डिविडेंड लेके खरीदते हैं तो वो बेनिफिट नहीं मिलता, तो एक डेप्रिसिएशन है। कंप्लायंस स्टैंडर्ड्स इंडिया में बढ़े हैं, लोगों ने अब बहुत ज्यादा मतलब एक बोलते हैं ना पक्के में इनकम काफी बढ़ गई है लोगों की। और तीसरी बात, कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ अर्निंग्स, इसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा है, तो मुझे और न्यूनेस एक इनफैक्ट ये गाड़ियों की अब धीरे धीरे जो चलन आई है, देखिए X1 है या मर्सिडीज की ए क्लास है या 2 सीरीज है ऑडी की, ये सब चीजें तो है ही है, बट ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि ये और भी बढ़ने वाली है इंडिया में। और जिस तरीके से आजकल नोवो रिच आ रहे हैं, जो आईटी वाले कई लोग हैं इंडिया में, और ओवरऑल सैलरी के स्टैंडर्ड्स बहुत बढ़ गए हैं, सो ऑल दीज आर सम फैक्टर्स जो कि काफी आगे भी डिमांड को बढ़ा के रखेंगे। परफेक्ट, तो ये है जैन साहब की तरफ से भी पूरा विश्लेषण, लग्जरी कारों का जबरदस्त प्रदर्शन, जबरदस्त प्रदर्शन बाजार का भी, जो लेवल आज सोचो दीप वो आ जाता है आज, तो मतलब आंख बंद कर खाली मेडिटेशन करने की जरूरत है, ध्यान लगाओ बस, कंजर्वेटिव नहीं होने दो, और बड़े लेवल देखो 42-100 भी क्रॉस कर दिया सर अभी, तो क्या होता है जब लोगों को व्यू देना होता है तो थोड़ा मतलब नहीं तो क्या लोग ओवरबोर्ड हो जाते हैं फिर, इसलिए वो थोड़ा सावधानी थोड़ा बहुत क्या है, कम पोजिशन में बड़ा पैसा बनाना आसान काम है, बड़ी पोजिशन में रुक पाना थोड़ा भी ऊपर नीचे या 50 मिनट तो खाया पिया निकल जाता है लोगों का, इसलिए कम ले और पूरा खाएं वो ज़्यादा बढ़िया है। इस बीच नितिन जी की तरफ से आपके लिए अपडेट, 17,800 का जो एट द मनी कॉल ऑप्शन उन्होंने कहा था 14 रुपये का, 3235 लगभग अपने टारगेट के लिए पहुँचता हुआ दिख रहा है, तो बहुत बहुत बधाई नितिन जी को भी, उनका कॉल सुपर हिट रहा आज, हीरो या जीरो, बहुत बढ़िया। और मजे की बात देखिए, उन्होंने कॉल भी सही चुना निफ्टी का, मैं मुझे पूछते तो मैं बैंक निफ्टी का ही चुनता, आपके लिए कमाल होता करता दिख रहा है, 25 रुपये के आसपास हाई बना चुका है, 32-35 रुपये का उनका टारगेट है, एंजॉय। बिल्कुल सर, तो ये है आपके लिए जबरदस्त एक्शन, टारगेट सारे हिट हो गए, 42,000 के पार बैंक निफ्टी और ऑफकोर्स 17,800 के ऊपर निफ्टी समय ट्रेड कर रहा है, बैंक्स में आपको बढ़िया मोमेंटम आते हुए दिख रहा है, कोई वो रोकने का नाम ही नहीं, और सारे बैंक्स 12 में से 11 बैंक्स आपको पॉजिटिव टेरिटरी में दिख रहे हैं। सुमित जी के पास चलते हैं, सुमित के सुपर हिट के लिए। बताएं सर। दीपांशु, आईसीआईसीआई बैंक के अंदर टारगेट हिट है तो उसके ऊपर मोहर लगा सकते हैं, और अब वापस एक और एक बैंकिंग स्टॉक मेरे रडार पे आया, और अब की बारी पीएसयू बैंकिंग स्टॉक है, स्टॉक के अंदर पिछले 3-4 दिनों से साइडवेज मूव देखने को मिल रहा था और अब मोमेंटम बनना स्टार्ट हुआ है, स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 531 रुपए 40 पैसे, स्टॉक का नाम है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। SBI के अंदर अब मोमेंटम बनेगा, SBI अब यहां से ऊपर का मूव दिखाएगा, SBI के अंदर मुझे लग रहा है कि यहां से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलना चाहिए, जैसे ही कल का हाई ब्रेक करेगा जो कि 534 रुपए का है, तो उसके बाद इसके अंदर मोमेंटम और स्ट्रांग बनेगा, और ऊपर में 540 रुपए से लेके 545 रुपए तक का मूव SBI में ट्रेडिंग के लिहाज से देखने को मिल सकता है। SBI में नीचे के अंदर जो सपोर्ट बन रहा है 524 रुपए 525 रुपए का बन रहा है, तो 525 रुपए का नीचे के अंदर स्टॉप लॉस लगाना है और यहां पे खरीदारी करना है, ऊपर में 540 का पहला टारगेट, 545 का दूसरा टारगेट, 1-2 दिनों का व्यू लेके खरीदारी करें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। SBI में खरीदारी करें, यह है आपके लिए सुमित जी की तरफ से राय, ये स्टॉक भी आपको एक्शन में आते हुए दिख रहा है। तो श्रीकांत जी अभी SBI कैनरा की बात कर रहे थे, सुमित जी ने बात करी है SBI की, और शो की शुरुआत में कोटक और साथ ही एक्सिस पर सुमित जी का व्यू भी आया था। सुमित जी, एक्सिस टारगेट के पास आ रहे हैं सर? बिल्कुल दीपांशु, एक्सिस के अंदर भी एक अच्छा मूव देखने को मिला है और जस्ट टारगेट से 2-3 रुपया ही बचा है, अभी डे हाई पे ट्रेड कर रहा है, डे हाई अभी हमारा 865 का, 868 का टारगेट दिया था, तो सिर्फ 2-2.5 रुपया बचा है, उसके अंदर भी 7-8 रुपए का मूव लास्ट आधे घंटे के अंदर देखने को मिला है, तो एक एक करके सारे बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर बढ़िया मूव बन रहा है। ये जो 2-2.5 रुपए बचा है वो हो जाएगा कि नहीं? अनिल जी ये थोड़ा बोलना टफ है क्योंकि टाइम 20 मिनट ही बचा है। अरे क्या गजब कर रहे हो अनिल जी,
इतना 20-20 रुपए का बोल दिया, 2-2.5 रुपए बोलने में क्या मुश्किल है? एक्चुअली अनिल जी मेरे ख्याल से शायद मंडे अच्छी होगा. गलत. आज ही चलिए देखते क्या कुछ होता है. आप और हम कौन है करवाने वाले, वो तो मार्केट है. बट हाँ एक डायरेक्शन दिख रहा है, जो डायरेक्शन दिख रहा है वो बहुत मजबूत खरीदारी का दिख रहा है. तो सर हर लेवल को क्रॉस करके फिर कन्वेंसिंग भी होल्ड करता है. शॉर्ट्स 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 सब कट रहे हैं आज. वो 41,800 जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 3 बजे दिखा दिया ना, उसने टाइम देखो, वो जो टाइम से निकाला ना वो बहुत इंपॉर्टेंट था. वहां से फिर मुड़ के पीछे आना ही नहीं है. और इसलिए 700-800 आपका स्ट्रॉन्ग बेस है. 42,000 के ऊपर बंद होना बड़ी बात है. दीदी आपको याद है एक बार ऐसे ही होता, 42,000 और 43,000 की रेंज में पूरा महीना भर निकाला था मार्केट ने. 44,000 के आसपास जो हाई बनाए थे, मेरे ख्याल से लाइफ टाइम हाई 44,000 बताऊं मैं आपको क्या है, 44,151 ठीक है, 44,151 तो 44,000 के आसपास का लाइफ हाई क्लोजिंग बेसिस पे मिला हुआ है. तो 42,000 से 44,000 की रेंज में हमने, सॉरी 42,000 से 43,000 की रेंज में हमने बहुत लंबा वक्त बिताया था. अगर 42,000 के ऊपर निकल कर बंद हो रहा तो ये तो कुछ अलग ही चीज़ कह रहा है. बिल्कुल. जो हमारा सेकंड टारगेट भी आ गया सेकंड टारगेट भी आ गया. सो आई थिंक निफ्टी पर जो 41,200 का पहला था, 41,842,000 का जो दूसरा टारगेट था सारे मिल गया. अच्छी बात है कि 10 ही दिन में काम हो गया. और 10 दिन पहले इस बार मूव टाइमली पकड़ में आ गया. यस कि भाई इतना थकाने के बाद बात हो ही रही थी हमारी उस दिन, आपने बड़े मूव बड़ी मूव आएगी और कन्विंसिंग मूव आएगी. जब मुझे लग रहा है ऐसा कभी भी ऐसा बड़ा ऐसा लगे तो ऐसा मूव देके छुट्टी पे चले जाने का. टाइमिंग सही रही इस बार लंबी वाली छुट्टी पे, तो पीछे टेंशन ही नहीं. लंबी वाली ठीक है सर. ये सब लंबी वाली बोले गए तो मैं तो वही मैं बोल रहा हूँ. आज 2 ही दिन था. आइए वागले साहब के लिए भी गुल्लू वागले का वंडर. जी सर. आवाज आ रही है अनिल जी? हाँ अनिल जी आ रही है. जी जी सर फरमाए. अनिल जी एक्सिस बैंक का पिछले 2 घंटे का जो वॉल्यूम है ये मुझे बता रहा है कि एक्सिस बैंक 870 तोड़ेगा. ये आज ऑब्वियसली शायद ना हो लेकिन मंडे को होगा. और अगर 870 तोड़ेगा तो ये फिर सीधा 890 895 900 तक मंडे के दिन में जा सकता है. तो वो चांस मैं अभी लेना चाहता हूँ. 865 862 ये रेंज में बाय करके खड़े रहे. 855 का आपका स्टॉप लॉस होगा तो रिस्क आपकी लगभग 10 रुपये की होगी. और टारगेट आपका 895 टू 900 का होगा पूरे मंडे के दिन में. तो क्लियर कट इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न आवरली टू आवरली चार्ट में बना है. और जो वॉल्यूम से ये ब्रेकआउट की मूव आ रही है मुझे लगता है ये बड़ी मूव की संकेत है. और बैंकिंग आपने आपके बोलने में भी मुझे दिखाई दे रहा है कि बैंकिंग में कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव उभर कर आ रहा है. एक्सिस बैंक मेरे हिसाब से आउट परफॉर्म करेगा. ओके तो ये है आपके लिए एक्सिस बैंक. अब तीसरा व्यू आ गया तो कंसेंसस व्यू बन गया वागले साहब श्रीकांत जी और अब सुमित जी के बीच में एक्सिस बैंक पर. हिमांशु जी की तरफ से भी एक और कॉल है तैयार. बिगुल हिटमैन हिमांशु. बताए सर. दीप सिर्फ बैंक्स और बैंक्स ही हैं जहां पर ब्रेकआउट है. तो बैंक ऑफ बड़ौदा खरीदना है जिसमें एक ब्रेकआउट हमने 2 दिन पहले आते हुए देखा था. कंसोलिडेशन देखने को मिली लेकिन वो गैप फिल नहीं हुआ, वो एक पॉजिटिव साइन है. मुझे लगता है नेक्स्ट अप मूव यहाँ से शुरुआत हो चुकी है. करंट लेवल 171.50 के आसपास के हैं. छोटा स्टॉप लॉस है 169 का. अपसाइड में 175-178 175-178 के टारगेट्स के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा में खरीदारी करके चलने की सलाह है. बैंक ऑफ बड़ौदा इसमें करें खरीदारी. एक के बाद एक बैंकिंग कॉल्स ही आ रही हैं तो फिर क्यों ना दिग्गज HDFC बैंक की बात कर ली जाए क्योंकि इसके भी नतीजे आने वाले हैं. पहला बैंकिंग स्टॉक जिसके नतीजे आएंगे 15 अप्रैल यानी कि सैटरडे को ये नतीजे आएंगे तो मंडे को उसका रिएक्शन दिखेगा. हालांकि बड़ी मूव्स ऑलरेडी इस काउंटर में पहली आ गई है बाकी बैंक के मुकाबले में. वरुण बताएं डेज हाई पर है 1700 लेवल के और उसके निकल तैयार है. बहुत पॉजिटिविटी बनी हुई है, क्या नतीजे भी वो रिफ्लेक्ट करेंगे? देखिए पहले से इन्होंने नतीजे तो अपने बता ही दिया है. आई मीन जो भी अपडेट्स दिए हैं वो मैं पहले आपको बता देता हूँ. जो अपडेट्स इन्होंने दिए थे उसमें
कासा रेशियो गिर के आया था 48 से गिर के 44%, डिपॉजिट्स 20.8% बढ़े थे, एडवांसेस में करीब 17% के आसपास की बढ़ोतरी थी, रिटेल डिपॉजिट 23% के आसपास की बढ़ोतरी वहाँ से देखने मिली थी। तो इन सबको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका एनआईएस 27% के आसपास बढ़ेगा, 24,000 करोड़ के आसपास से आ सकता है। मुनाफे में करीब 22% की बढ़ोतरी होने वाली है, 12,300 करोड़ के आसपास ही आएगा। ग्रॉस एनपीएस नेट एनपीएस इस बैंक के लिए कभी दिक्कत थी नहीं इसके पहले भी, और इस बार भी ग्रॉस एनपीएस नेट एनपीएस ठीक रहने वाले हैं। एक ही दिक्कत है और वो है नेट इंटरेस्ट मार्जिन। ये मैं इसके लिए कह रहा हूँ क्योंकि पिछले क्वार्टर में जब इस कंपनी ने अपने नतीजे घोषित किए थे तो एक नेगेटिव सरप्राइज आया था, जहाँ पे सारे बैंक्स के नेट इंटरेस्ट मार्जिन में आपको बढ़ोतरी देखने मिली थी, लेकिन HDFC लिमिटेड HDFC बैंक इनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन में उस तरह की बढ़ोतरी नहीं हुई थी, और वो एक थोड़ा सा शॉकर था। इस बार कासा रेशियो भी गिर के आया है, तो कहीं ना कहीं स्ट्रीट पे कुछ लोग ये अनुमान लगा रहे हैं कि शायद हो सकता है कि मार्जिनल डिप आपको इस कंपनी के नेट इंटरेस्ट मार्जिन में देखने मिले। इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि ट्रेंड सेटल भी हो सकता है, तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन यहाँ पे नजर रखेगा। वैसे भी कासा रेशियो गिरा है, बाकी फ्रंट पे अगर आप देखेंगे तो नंबर्स में कोई दिक्कत नहीं है, हर तरफ आपको अच्छी ग्रोथ देखने मिलेगी। ओके, तो अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी, नेट इंटरेस्ट मार्जिन पर देखते हैं किस तरह की पिक्चर आएगी। अपडेट से तो वैसे काफी कुछ पता चल ही गया था, बट HDFC बैंक सेक्टर के दिग्गज पर हमारी नजर है। आई श्रीकांत जी की तरफ से एक और कॉल भी है तैयार, बिल्कुल उनके लिए BTSWT का। बताएं श्रीकांत जी। बिल्कुल, तो दीपांशु देखिए वैसे कई सारे बैंक स्टॉक्स हमने कवर कर लिए, मुझे लगता है थोड़ा अभी कैपिटल गुड्स के ऊपर फोकस करना चाहिए, और अगर इनमें अगर कोई स्टॉक अगर अपने करेक्टिव पैटर्न को कंप्लीट करके अगर रिवर्सल फॉर्मेशन बना रहा है तो करंट लेवल से उसे खरीदा जा सकता है। हमें लगता है कमिंस इंडिया जो 1550 के करीब ट्रेड कर रहा है इसे लॉन्ग करें, काफी अच्छा एक करेक्टिव पैटर्न इसने दिखा दिया है। अभी हमें लगता है कि अगर इन लेवल से खरीदते हैं और अगर स्टॉप लॉस हम रखते हैं यहाँ पे 1530 रुपए का जो आज के इसके लोवेस्ट लेवल्स थे, तो काफी एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बन जाएगा, और हमें लगता है कि वापस ये 1575 से लेकर 1590 के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो करंट लेवल से कमिंस को लॉन्ग करें, स्टॉप लॉस रखें 1530 का। इसका स्टॉप लॉस खरीदारी करनी है कमिंस पर, ये स्टॉक भी वापस मोमेंटम में आ रहा है, स्टॉक में एक्शन बना है। श्रीकांत जी कमिंस की बात करिए, एक बार जरा L&T भी देख लीजिए सर, हफ्ते की शुरुआत में बढ़िया मोमेंटम में था, लाइफ हाई पर ये भी आया है, वहां से थोड़ा करेक्शन उसमें हुआ है बट अच्छे मोमेंटम में रहा है। L&T के चार्ट पर क्या रहा है, वापस ये भी तेजी में आ सकता है? बिल्कुल, इनफैक्ट हमने पिछले 3 या 4 दिनों में कुछ कैपिटल गुड्स और इंफ्रा कंपनीज में कुछ करेक्शन देखा, कुछ प्रॉफिट टेकिंग देखी, बट ओवरऑल हमें लगता है कि ये सेक्टर ऐसा है कि जहाँ पे और भी परफॉर्मेंस देखने मिलेगा, और L&T जो अभी करेक्ट हो रहा है आई थिंक 2250 के करीब, तो इनफैक्ट काफी अट्रैक्टिव बाय है, करंट लेवल से इसे खरीदा जा सकता है, वापस 2350-75 के लेवल्स ये दिखा सकता है। बट इवेंचुअली लगता है जैसे इसमें फॉर्मेशन बन रहा है और जैसे न्यूज फ्लो स्पैन आउट हो रहे हैं, हमें लगता है कि ये स्टॉक इवेंचुअली 2750 से लेकर 2800 के लेवल्स आने वाले कुछ महीनों में या हफ्तों में दिखा सकता है। तो ओवरऑल ये स्पेस पे हम काफी बुलिश है, लेकिन बिकॉज कि इसमें लिक्विडिटी काफी कम है तो ये जो सेक्टर है या जो स्टॉक्स होते हैं वो काफी रुक रुक के चलते हैं, यानी हर एक लेवल पे पॉज लेते हैं फिर चलते हैं, कुछ कंसोलिडेशन बनाते हैं, लेकिन इवेंचुअली हमें लगता है कि आने वाले 2 से 3 महीने में इनमें हमें काफी बड़ा परफॉर्मेंस देखने मिलेगा। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी अपनाएं, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी अपनाया जाए। थोड़ा डिप आया है, थोड़ा करेक्शन आया है लाइफ हाई के लेवल से, बट वहां पर आपको खरीदारी करने का मौका वापस मिल सकता है। वैसे कोई डिप का आपको दिख नहीं रहा है मौका बैंक निफ्टी में, वापस 42-100 के ऊपर ही आपको ट्रेड होते हुए दिख रहा है। इंडसइंड बैंक पर भी रखिए नजर, 3.5% ऊपर ये काउंटर इस समय ट्रेड कर रहा है, आज सुबह करीब 5% नीचे ये खुला था, और वहां से देखिए बढ़िया मूव इंडसइंड बैंक में आए, तो इंट्राडे जबरदस्त एक्शन इस काउंटर पर आपने बनते हुए देखा है। बागले साहब जरा एक बार इंडसइंड का भी चार्ट देख ले सर, इंट्राडे में बड़ी मूव आई है इसमें, 5% नीचे खुला था अब 3% ऊपर है। दीपांशु चार्ट तो अच्छा है लेकिन फ्रेश एंट्री के लिए मुझे थोड़ा सा डर लगता है क्योंकि स्टॉप लॉस नहीं मैच होगा, स्टॉप लॉस बहुत नीचे होगा, तो लेकिन किसी ने बाय किया है, पहला टारगेट 1120 है और अगर ये 1120 तोड़ेगा जो मंडे को होगा या बाद होगा देखना पड़ेगा ये, लेकिन इवेंचुअली पोजिशनली ये 1150-1160 तक जाना चाहिए, तो व्यू तो डेफिनेटली पॉजिटिव है। तो व्यू डेफिनेटली पॉजिटिव है, इंडसइंड बैंक इस पर रखनी है आपको नजर। कैश का ऑप्शन देने के लिए तैयार है जय ठक्कर।
स्वागत है जय, गुड आफ्टरनून। बैंक निफ्टी पर दमदार कॉल्स आ रही हैं, हालांकि 42,000 की अगले हफ्ते की एक्सपायरी की कॉल आपने सुबह खरीदवाई थी, उस पर कोई अपडेट है तो बताएं और फिर इस समय क्या करना है ये भी बताइए। हाय, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू दीप, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी। बिल्कुल दीप, मॉर्निंग में 42,000 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन ने 20 तारीख की एक्सपायरी का दीप सजेस्ट किया था एंड यू नो 164 के आसपास सजेस्ट किया था दीप एंड 315 और 440 आई गेस टारगेट्स थे, 310 टारगेट्स तो हासिल हो गए, फर्स्ट 370 तक गया, सो यू नो 164 वाला 370 गया। इनफैक्ट दीप आज के जो ओवरऑल मोमेंट देखने मिली है बैंक निफ्टी में, ये एक्सपेक्टेड था कि बैंक निफ्टी ही परफॉर्म करेगा, निफ्टी ज़्यादा नहीं करेगा और वही हुआ दीप। एंड अब जो हिसाब से 42,000 के लेवल्स के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 42,100 यहाँ पे 42,500 का कॉल खरीदे, 125 रुपये पे मिल रहा है, इट्स ऑफ 20th अप्रैल एक्सपायरी, 125 पे मिल रहा है दीप, यहाँ पे 25 रुपये का आप स्टॉप लॉस लगाए तो 100 पॉइंट की एक डाउनसाइड रिस्क है, विच इज 2,500 रुपीज। टारगेट दीप इसके जो ऊपर में हो सकते हैं पहले दैट कुड बी 270 एंड दूसरे टारगेट जो निकल कर आ रहे हैं दैट कम्स टू 365। सो 270-365 ये दो टारगेट्स के लिए 42,500 का कॉल खरीदे। टेक्निकली एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट दीप देखने मिला है बैंक निफ्टी का, अबाउ 42,000 स्विंग ऑन स्विंग देखे तो, क्लोजिंग बेसिस पर अगर आप देखें दीप तो इंट्राडे में 41,700-800 के ऊपर ही ब्रेकआउट आ गया था, तभी से हमें मोमेंटम आते हुए देखने मिला, इसलिए मॉर्निंग में देखने मिला वो चीज़। एंड 42 के ऊपर डेरिवेटिव्स पॉइंट ऑफ व्यू भी एक अच्छा ब्रेकआउट है, तो अभी नेक्स्ट टारगेट्स जो पोजिशनली बनकर आ रहे हैं बैंक निफ्टी के कम्स टू द लेवल्स ऑफ 42,500-843,000 का अगले हफ्ते का कॉल ऑप्शन आपको खरीदना है, ये है राय आपके लिए 20 अप्रैल जबरदस्त एक्शन में आता हुआ दिख रहा है सारे लेवल में, बोल रहा हूँ ना आपको जो लेवल आज सोचो आपको दिखा देगा, ये ऐसी एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग बहुत लंबे समय बाद नजर आई जो आज आपको बैंक निफ्टी में दिख रही है, बहुत कम ऐसा होता है दीप जब इस तरह की शॉर्ट कवरिंग, एक ज़माना था बैंक निफ्टी इस तरह के, जब बैंक निफ्टी से मेरा प्यार ही तभी शुरू हुआ था जब इस तरह के बड़े ज़माने बाद आज बैंक निफ्टी ने वैसे मूव दिए। करेक्ट सर, ये जिसमें आप सोचोगे, सोचो आज का लो 41,500 का है और आज का है 42,700 पॉइंट का इंट्राडे मूवमेंट और पूरा स्क्रीन पर, पूरा स्क्रीन पर ये एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग आखिरी डेढ़ घंटे में किसी लेवल से 25-50 पॉइंट भी नीचे नहीं है, ये 300-350 पॉइंट की मूव तो हमने बात कर दो बजे से ऑनवर्ड्स ही पकड़ी है, वही बोल रहा हूँ 41,835-825 का उस समय लेवल था, लेवल था वहाँ से भागा, बहुत ही खतरनाक शॉर्ट कवरिंग है, कभी कभी ऐसे डेटा फंसते हैं ना वो उस दिन पकड़ में आ जाना, जबरदस्त रीडिंग है सर, चलिए बढ़िया है। तो लोगों को आई एम श्योर थोड़ा कुछ फायदा तो होगा, एटलीस्ट लोगों ने शॉर्ट तो नहीं किया होगा ना, कम से कम नुकसान तो नहीं, कोई ले ना ले अलग बात है, कम से कम शॉर्ट ना करें वो भी अपने आप में कम नहीं है। आइए और इस बीच स्टॉक क्राफ्ट जरा देख लीजिए, यहाँ पर भी बढ़िया एक्शन बनता हुआ दिख रहा है, सेठी साहब ने आज रिकमेंड भी किया था 395 का टारगेट और 390 के आसपास पहुँच चुका है, 95 के आसपास पहुँचा है ऐसा लग रहा है मुझे, 7% अभी भी मजबूत है, बहुत ही शानदार ट्रेड करता हुआ दिख रहा है इस वक्त आपके लिए। आइए एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये है स्टॉक जो 15% से ज़्यादा आज उछाल में है, इसकी वजह बताने के लिए तैयार है वरुण हमारे साथ, बताएं। तो अनिल जी बड़ी वजह तो यह है कि इस कंपनी के जो MD और CEO थे संजय अग्रवाल जी, उनको RBI ने रीअपॉइंटमेंट के लिए अप्रूवल दे दिया और 3 साल के रीअपॉइंटमेंट के लिए अप्रूवल दे दिया। और आप सोचेंगे 3 साल पे इतना एम्फेसिस मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इसके पहले बाकी बैंक्स के MD और CEO के रीअपॉइंटमेंट नहीं मिला है, लेकिन उनको जो रीअपॉइंटमेंट मिला था वो करीब करीब 2 साल के लिए मिला था और इनको जो रीअपॉइंटमेंट मिला है वो 3 साल के लिए मिला है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है और ये शायद इन्वेस्टर्स को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है कि इनको जो रीअपॉइंटमेंट का टाइम मिला है वो बाकियों से काफ़ी ज़्यादा मिला है। देखिए अग्रवाल साहब के बारे में तो सब जानते ही है कि फाउंडर थे AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के और वहाँ से यहाँ तक AU स्मॉल फाइनेंस बैंक को लेके आए हैं। जनवरी के आसपास आपको याद होगा शेयर होल्डर्स ने अप्रूवल दे दिया था, हालांकि उन्होंने जो अप्रूवल दिया था शेयर होल्डर्स ने वो 4 साल के लिए था और उसके सामने RBI ने 3 साल के लिए इनको अप्रूवल जो है वो दे दिया है। अब ये एक बहुत बड़ा ओवरहैंग था इस काउंटर के ऊपर, क्योंकि काफ़ी लंबे समय हो गया था RBI की तरफ से अप्रूवल नहीं आया था और इसके लिए आप देख रहे थे कि ये स्टॉक अंडर परफॉर्म भी कर रहा था। जनवरी से अब तक आज की अगर मूव छोड़ दें तो बैंक निफ्टी में करीब 1.5% के आसपास की गिरावट हुई थी, लेकिन AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में 11% के आसपास की गिरावट हुई थी और उसका एकमात्र कारण था कि इस कंपनी के MD एंड CEO संजय अग्रवाल जी को अभी तक एक्सटेंशन नहीं मिला था। अब जब ये मिल चुका है तो ब्रोकरेज हाउसेस भी लेके इसको काफ़ी बुलिश है, उनका कहना है कि अब
इन्वेस्टर्स का जो फोकस है, क्योंकि अब इनको अप्रूवल मिल चुका है तो जाहिर सी बात है ये हैंगओवर जो है वो खत्म हो चुका है और अब पूरी तरह से इन्वेस्टर्स का फोकस जो है वो इस कंपनी के परफॉर्मेंस पे होगा, जो कि पहले से बेटर था और आने वाले दिनों में भी ये बेटर ही रहने वाला है। तो ये एक अच्छी बात है और इसके चलते ये कह रहे हैं कि स्टॉक की अब डी रेटिंग नहीं बल्कि री रेटिंग हो सकती है। हालांकि किसी ने बहुत बड़ा प्राइस टारगेट नहीं बढ़ाया क्योंकि सबके अलावा वेट करेंगे कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है, लेकिन फोकस अब पूरी तरह से शिफ्ट हो जाएगा और जो एक बहुत बड़ा ओवरहैंग था इस कंपनी के लिए वो खत्म हो चुका है। और सबसे बड़ी बात तो यह है बाकियों के मुकाबले जो एक्सटेंशन मिला है वो ज़्यादा मिला है, तो इस ज़्यादा का फायदा आप देख रहे हैं कि स्टॉक में जोरदार उछाल है। ओके तो यह है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में तगड़ा एक्शन आता हुआ स्टॉक में जब एमडी की और सीईओ की जो संजय अग्रवाल साहब की उनकी नियुक्ति 3 साल के लिए आरबीआई ने फिर से मंजूरी दे दी। तो 3 साल की मंजूरी, 2 साल की होती तो शायद इतना नहीं भागता है ना, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी बात रही है 3 साल की मंजूरी ज्यादा कॉन्फिडेंस। हाँ, 3 साल में 15% भागा, 2 साल में 5%, 10% भागता तो ओके क्योंकि हैंगओवर खत्म हो गया। 5% प्रति साल की दर से ये है। जरा एक बार श्रीकांत जी से चार्ट पर राय ली जाए। श्रीकांत जी डे हाई पर बंद होने की तैयारी में 18% ऊपर 675-676 ये फ्यूचर्स के लेवल है, कैश में और भी ऊपर है, बताएं सर। बिल्कुल तो अनिल जी, अगर इस पर्टिकुलर चार्ट को देखें तो एक साइडवेज कंसोलिडेशन में था पिछले लगभग मैं कह सकता हूँ कि 1.5 साल से, और अभी इसका जो कंफ्यूजन है मुझे लगता है कि वो शायद उसमें से ये बाहर निकल रहा है, तो बिल्कुल काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। कई बार इसने 550 के करीब सपोर्ट लिया है और कई बार इसने 680 या 700 के लेवल्स दिखाए हैं, बट इस बार का वॉल्यूम, इस बार के प्राइस पैटर्न और इस बार के न्यूज फ्लो को अगर कंसिडर करें तो हमें लगता है कि शायद इस बार ये स्टॉक 750 के लेवल्स वापस दिखा सकता है, तो करंट लेवल से भी लॉन्ग करके चलना चाहिए क्योंकि 750 के लेवल्स तो काफी नजदीक के हैं। उसके बाद ये ऑल टाइम हाई में एंटर करेगा जो वापस स्टॉक को कम से कम 10-15% और ऊपर लेके जा सकता है, तो इवेंचुअली लगता है 850 के लेवल्स ये छुएगा, लेकिन वेरी शॉर्ट टर्म में 750 के लेवल्स ये क्रॉस करते हुए नजर आएगा। तो करंट लेवल से लॉन्ग करें और अगर स्टॉप लॉस रखना है तो 650 का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। ओके तो ये है आपके लिए एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। सुमित जी की पिक ऑफ द डे भी था, कल सारे टारगेट्स आ गए, इनफैक्ट टारगेट के भी 100 रुपए ऊपर है, जबरदस्त मूव इस पर आई है। आइए फिर आज की फाइनल स्ट्रैटेजी ली जाए एलजी की तरफ से 320 की। सर अभी भी कोई लेवल्स हैं आखिरी 10 मिनट के लिए तो बता दीजिए कि 42-200 की तरफ नजर बनाई हुई है। लेवल तो सारे अपने पास, दीप आप बोलो कहां तक की चाहिए। 42-200 आ गया है ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी पे, 42,075, उसके बाद 42,175 वो भी हो गया, 275-375 ये है आगे के लेवल जो, इसलिए 375 से 500 की रेंज अब सोमवार के लिए इम्पोर्टेंट होगी। एनीवे निफ्टी पर 17,825 आ ही गया है। इंटरेस्टिंग चीज़ ये दिख रही दीप की, देखिए बैंक निफ्टी तो बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दे रहा है, उसमें कोई सोचने की बात नहीं। तो बैंक निफ्टी में जो आपकी पोजीशन है अगर अच्छा पैसा बनी रहा है और बनी रहा अच्छा, अगर तो लगाने की जरूरत ही नहीं बने तो मेरे ख्याल से पार्ट तो कम से कम आपको बुक करना चाहिए, और अगर बुक ना करें तो 41,800 का एक पुट ऑप्शन खरीद लें, ठीक है, और अपने आप को हेज रखें थोड़ा सा, 300-400 को नीचे का पुट ऑप्शन खरीद कर हेज कर सकें, लेकिन एटलीस्ट 50% बुक करके चलें, बाकी आप सोमवार को नीचे मिले तो और खरीद लीजिए। फ्रेश खरीदारी नहीं करनी है अब, नहीं करनी है ना ना, अभी आज आज का मूड स्टॉक खरीदने का ज्यादा है, इसलिए खरीदारी भी है, ऐसा नहीं कि बाइंग नहीं है, वो तो कैश में भी बाइंग चाहिए अदरवाइज होता नहीं है, लेकिन फिर भी जो शार्प मूव है वो खरीदारी से ज्यादा शॉर्ट कवरिंग से भी है, तो इसलिए मेरा ये समझ है कि आज फ्रेश खरीदारी की राय नहीं दूंगा, है थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लीजिए, 41,800 का कॉल ले लीजिए, ये आपके लिए बैंक निफ्टी पर राय। यही 42,000 के आसपास बंद हो रहा होता तो मैं कह भी देता आपको कि और लेके जाइए, लेकिन ये बंद की आपकी क्लोजिंग भी जो आएगी ना, अब तो 42,100 के ऊपर ही आएगी वेटेड एवरेज, तो इसलिए ये निफ्टी 17,825 के ऊपर बंद हो रहा है, ये एक अच्छा मौका दे रहा है बीटीएसटी करने का। अच्छा हाँ, निफ्टी पे भी रिस्क एक ही है, इन्फोसिस। अगर इन्फोसिस ने फिर से मूड खराब किया, कितना नीचे इन्फोसिस, 2.5% नीचे, तो आईटी अगर फिर से सोमवार को खराब हो जाएगा कि नहीं होगा पता है। सो अब जो झगड़ा है ना आईटी वर्सेस बैंक का है, इन्फोसिस वर्सेस एचडीएफसी बैंक का है, शनिवार को एचडीएफसी बैंक है करेक्ट, कल इन्फोसिस, तो इसलिए निफ्टी में लेने का लेवल आ गया है जिस लेवल पे बंद हो रहा है। आज सुबह मैं क्या बात कर रहा था आपसे, मुझे 10-12 पॉइंट नीचे भी बंद होगा तो चलेगा जी, 17,800 के नीचे बंद मत करना करेक्ट, आप तो ऊपर बंद कर रहे हो उल्टा करेक्ट। तो बैंक निफ्टी में भी मेरे ख्याल से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से थोड़ा फेवरेबल है, 100-125 पॉइंट के हिसाब से, लेकिन बेहतर यह कि चूंकि इन्फोसिस के नतीजे हैं और बैंक निफ्टी भागा हुआ है, फ्रेश पोजिशन लेने के बजाय आराम करें, 3 दिन बाद
आएंगे वापस कहाँ जाने वाला है, सारे लेवल से ही है, मार्केट रोज मौका देता है डे ट्रेडर्स के लिए। पोजिशनल ट्रेडर आप हैं तो 17,700 का पुट अगर रखना चाहें तो लेकर चले जाएं, बस इतना ही। ठीक है सर, बाकी बढ़िया है, जो लॉन्ग पोजिशन है बना कर जाए। ज़बरदस्त सर, 42,200 ऑलमोस्ट 42,195 का है अभी अभी आपने बैंक निफ्टी में देखा है। आइए जय भी हमारे साथ और लेते हैं उनका एक जैकपॉट कॉल। बताएं जय। दीप, यहाँ पे मुझे जुबिलियन फूड में यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अच्छी तेजी आपको देखने मिल सकती है, तो इसका 430 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदे, 10.75 रुपये से लेके 11.25 रुपये ये रेंज में आप खरीदे तो 11 के आसपास की आपकी एवरेज आ जाएगी। 10.75 to 11.25 ये रेंज में आप जुबिलियन फूड का 430 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदे। यहाँ पे दीप आपको जो स्टॉप लॉस लगाना होगा दैट कैन बी प्लेस्ड एट 7 रुपये का आप एक स्टॉप लॉस लगाए, तो 11 की आपकी एवरेज आ रही है, 7 रुपये का आपका स्टॉप लॉस हुआ, सो लगभग 4 पॉइंट्स का आपका डाउन साइड रिस्क है एंड 1250 का लॉट हो तो लगभग 6000 के आसपास का हुआ। टारगेट जो ऊपर में दीप इसके निकल कर आ रहे हैं, द फर्स्ट टारगेट विल बी 16.5 16.5 का एंड सेकेंड टारगेट कम्स टू 21। अच्छी खासी एक शॉर्ट कवरिंग आपको जुबिलियन फूड्स में आते हुए देखने मिल सकती है और मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें लगभग आपको 450-455 के लेवल्स स्पॉट में देखने मिलेंगे जो अभी करीब 434 के आसपास है। जुबिलियन फूडवर का 430 का कॉल ऑप्शन खरीदे। इस बीच कुछ टारगेट हिट होते हुए दिख रहे हैं, सबसे पहले बधाई नितिन जी को, हीरो या जीरो टारगेट उनका 32 वाला 35 वाला दोनों हिट हो चुका है, तो 17,800 का कॉल ऑप्शन जो उन्होंने 14 रुपये में दिया था आज ही की एक्सपायरी का टारगेट हिट। हिमांशु जी भी सुपर हिट हैं, नाम में ही हिट है उनके, तो HDFC बैंक का कॉल ऑप्शन जो आज दिया है, कल दिया था माफ कीजिएगा, वो हिट हो चुका है। और सुमित जी भी मुझे धन्यवाद देना चाहते हैं क्योंकि 2.5 रुपये के लुक का जो टारगेट उनका बाकी था एक्सिस बैंक का वो मैंने हिट करवा दिया है। सुमित जी धन्यवाद दे दीजिए। धन्यवाद जी, नहीं आप ही की कलाकारी है, आपको बधाई, आप ही का एक्सिस बैंक का सुपर हिट कॉल रहा है। और आज लंबे समय बाद भी पैसा हुआ है कि मेरा पूरा कागज भर चुका है, पूरा कागज भर चुका है। अब अगर और कॉल्स ज़्यादा आएंगे तो सप्लीमेंट्री लेनी पड़ेगी, 1-2-3 कॉल या मैक्सिमम बहुत छोटे छोटे अक्षर लिखूंगा 4 कॉल मैं अकोमोडेट कर सकता हूँ, बाकी मेरा पेपर पूरा भर चुका है। आज इतने कॉल्स आए, आई थिंक हाल ही के दिनों के 2 महीने के सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉल्स होंगे, इसलिए कोई है जिसकी बड़ी इच्छा है तो बता दें अभी से। ओ सुमित जी, उसके बाद श्रीकांत जी भी, श्रीकांत जी भी दो कॉल्स तैयार। हाँ, बाद में मैं पीछे नहीं लिखूंगा, लिखूंगा तो फ्रंट पेज पे जी। सुमित जी के लिए बिगुल, सुमित के सुपर हिट। जी सुमित जी बताएं सर। अरे जी, एक्सिस बैंक का टारगेट हिट हो गया है तो मैं सोच रहा हूँ कि एक बैंकिंग स्टॉक और ले लेते हैं, तो मुझे लगा था शायद इसके अंदर आपका आज का 2000 आएगा, लेकिन वो स्टॉक अभी मेरे रडार पे आ चुका है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 147.40 पैसा। स्टॉक का नाम है RBL बैंक। RBL बैंक के अंदर मोमेंटम बनेगा, इसको खरीदारी करें। RBL बैंक धीरे धीरे करके तेजी दिखा रहा है और अभी डे आई के पास ये ट्रेड कर रहा है। अगले हफ्ते के अंदर RBL बैंक में यहां से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। यहां पे CMB पे खरीदारी करें, नीचे के अंदर 142-143 ये सपोर्ट लेवल है, तो 143 का छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के RBL बैंक में खरीदारी करके चलना है। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकता है, पहला टारगेट बनेगा 152 रुपए का, दूसरा टारगेट बनेगा 155 रुपए का। 2-3 दिन का व्यू लेके खरीदारी करें, 152-155 टारगेट, 143 का स्टॉप लॉस। RBL बैंक, इस पर करें खरीदारी, कोई भी बैंक छूटना नहीं चाहिए, ये क्लियर व्यू आ रहा है हमारे एक्सपर्ट्स का। आइए श्रीकांत जी के लिए बिगुल, BTS TT का। बताएं श्रीकांत जी। तो दीपांशु देखिए, मुझे लगता है कि कुछ कमोडिटीज या मेटल स्टॉक्स में भी कुछ एक्टिविटी बन रही है, स्टॉक्स रिकवर हो रहे हैं, उसमें टाटा स्टील हमें अच्छा लगता है, काफी अच्छा एक टेक्निकल रिवर्सल फॉर्मेशन बनाया है, काफी लॉन्ग शेडो उसने 105-105.5 के करीब छोड़ी है और अभी उसमें से रिवर्सल पैटर्न बन रहा है। ये इंडिकेट करता है कि ये स्टॉक वापस एक बार 111-112 के लेवल्स दिखा सकता है। करंट लेवल से खरीदे 107-107.50 में, स्टॉप लॉस रखे तकरीबन 105.50 का, यानी 2 रुपए का स्टॉप लॉस रखे और टारगेट्स रखे 112। तो ये है आपके लिए टाटा स्टील, जिस पर आपको करनी है खरीदारी। अनिल जी, क्योंकि हफ्ता खत्म हो रहा है तो इस हफ्ते जो आपने 2-3 कॉल्स दी थी उस पर आपकी राय लेना चाहूंगा। बैंक्स आपने 2 दिन पहले ही मूव पकड़ ली थी, PNB बात करी थी, बैंक ऑफ बड़ौदा तो पिक ऑफ द डे में, स्टॉक ऑफ द डे में बात की थी, वहां पर तो 2 टारगेट सभी आ गए थे।
170 और 172 के आगे थे, 174 बच गया था उस दिन, बट दोनों टारगेट्स आते हुए दिखे थे, अभी भी 171 पर है, इस पर क्या करना? बैंक ऑफ बड़ौदा तो आ ही चुके हैं, अब भी होल्ड कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, एसबीआई तो श्रीकांत जी ने, सुमित जी ने कहा ही है, बैंक्स तो, बैंक्स को तो होल्ड करना ही है, पीएनबी, बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी दोनों दिए वो होल्ड करिए, होल्ड कर ले, हाँ, बैंक ऑफ इंडिया मेरे ख्याल से 75 का स्टॉप लॉस, हाँ 46.75 का था, सॉरी हाँ मेरे है ना सामने, हाँ बैंक ऑफ इंडिया में 75 का स्टॉप लॉस है और पीएनबी में 46.75 का क्लोजिंग स्टॉप लॉस है, दोनों आप आराम से होल्ड करिए, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, इवन चंबल भी दिया था, चंबल दिया 485 का टारगेट, 285 का आ गया था, 290 आज बना है, 295 के दूसरे टारगेट के लिए होल्ड करिए, होल्ड करें, एक पहला टारगेट आने के बाद नियम बना लो कि अपनी कॉस्ट का स्टॉप लॉस वो तो ले ही आया, ताकि आपका प्रॉफिट वाला ट्रेड नुकसान में डन, ठीक है, तो सारे होल्ड करिए, जहां जहां आपको पहला टारगेट आ गया या दूसरा टारगेट आ गया, एटलीस्ट कॉस्ट है उसके ऊपर का स्टॉप लॉस ले आइए, ताकि आपका लॉस तो अब उस पर नहीं होगा। क्लोजिंग की तरफ चलते हैं, 9 में से 9 दिन निफ्टी ऊपर बंद होने के लिए तैयार है, 11 में से 10वें दिन और लगातार तीसरे स्ट्रेट दिन बैंक निफ्टी भी पॉजिटिव क्लोजिंग आपको दे रहा है। आज के स्टार एक बार फिर से बैंक ही रहे हैं, 550 अंकों का उछाल आया है, इंडसइंड बैंक टॉप गेनर रहा सुबह 5% नीचे खुलने के बाद, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, एसबीआई, आईसीआईसीआई और नतीजों से पहले एचडीएफसी बैंक, इन सभी में आपने बढ़िया खरीदारी होती हुई देखी है। आयशर मोटर्स 3% ऊपर, ये काउंटर भी था आज, पावर ग्रिड में मूव आई, अपोलो हॉस्पिटल सुबह से बजिंग है, एशियन पेंट्स में रीबाउंड था, ONGC में खरीदारी दिखी, साथ ही टाटा मोटर्स, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व, ITC और रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे दिग्गजों ने भी बाजार को सहारा दिया है। सिर्फ एक कमजोर कड़ी थी और वो थी आपके लिए आईटी, इन्फी टॉप लूजर नतीजों से पहले, टेक महिंद्रा, HCL टेक नतीजों के बाद TCS 1.5% नीचे और विप्रो में कमजोरी, L&T में रिकॉर्ड हाइज के बाद थोड़ी मुनाफा वसूली, डिवीज कल 10% दौड़ने के बाद आज थोड़ा नीचे बंद होते हुए दिखा। वायदा कारोबार की तरफ आइए, जबरदस्त मूव AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की, MD & CEO का कार्यकाल 3 साल से बढ़ गया है, 17% ऊपर ये काउंटर क्लोज हो रहा है। गोदरेज प्रॉपर्टीज में बढ़िया खरीदारी रही, RBL बैंक और सिटी यूनियन बैंक, साथ ही फेडरल बैंक में भी टुवर्ड्स दी एन अच्छी खरीदारी रही और कैनरा बैंक में भी आपने पॉजिटिव मूवमेंट देखा। इंडिया मार्ट जबरदस्त ब्रोकरेज रिपोर्ट और FIS की हिस्सेदारी खरीदारी के बाद स्टॉक अच्छे एक्शन में रहा। TVS मोटर्स सुबह से रिकमेंड हो रहा है, यहाँ पर भी अच्छा मूवमेंट आपने देखा है। AB फैशन, पॉलीकैब, DLF, चंबल फर्टिलाइजर, साथ ही PNB यहाँ पर भी बढ़िया खरीदारी देखी है। तो अनिल जी, जबरदस्त एक्शन बाजार में, जो पिछले 2 हफ्तों की रैली थी बरकरार है, 9 out of 9 days निफ्टी पॉजिटिव, 11 में से 10 दिन बैंक निफ्टी पॉजिटिव। बहुत कम भी बार ऐसा होता है जी। तो आज घंटी की मधुर आवाज आपको 3:30 बजे भी सुनने को मिली है, डे हाई पर जाकर बंद होते हुए दिखे, और जो बात हम 2 बजे भी कह रहे थे, आज डे हाई पर ही बंद होना है, और 3 दिन के वीकेंड से पहले क्या कॉन्फिडेंस है, गजब का कॉन्फिडेंस है, और तकनीकी तौर पर मजबूत बाजार, FIS की खरीदारी, इकोनॉमिक डेटा, महंगाई के हमारे अमेरिका के मजबूत, बच्चे की जान लोगे और क्या चाहिए तेजी करने के लिए, करनी नहीं है तो फिर तो अलग बात है, अब देखते हैं क्या होता है, लंबा वीकेंड एंजॉय कीजिए, कम से कम 3 दिन शांति से तो रहेंगे, से रहेंगे। डाउ फ्यूचर्स 33 पॉइंट ऊपर है और नैस्डैक फ्यूचर्स 44 पॉइंट ऊपर है, तो याद रखना भी चाहिए 3344 ताकि 3 में भूल जाते हैं, लोबा के 3:30 बजे डाउ फ्यूचर क्या थे, 3333 डाउ फ्यूचर, 44 नैस्डैक फ्यूचर ऊपर। आइए फाइनल क्लोजिंग आए, उससे पहले एक बार आपको कुछ आज का बड़ा एक्शन भी बता दूं कि क्या कुछ होने वाला है शाम को, और हर गुरुवार जब भी शो पर आते हैं जैन साहब तनाव में आ जाते हैं, क्योंकि उनको पता है बाद दुनिया की शो आने वाला है, नोट करना पड़ेगा, स्टोरी देखनी पड़ेगी, बंसल जी तनाव में इसलिए आते हैं कि नेक्स्ट डे किसी भी तरह का सवाल भी आ सकता है कि वो शो आपने देखा या नहीं देखा, उसमें स्टोरी कौन सी थी। अब आप सोचेंगे ऐसा कौन सा शो है जिसकी वजह से हमारे सारे एक्सपर्ट्स एकदम अलर्ट हो जाते हैं, तो आपको भी एक झलक दिखा देते हैं, दुनिया भर की ऐसी खबरें देखने में भी अच्छी और सुनने में लाजवाब, बिल्कुल देख लीजिए एक झलक। मंगल ग्रह का नक्शा जारी, कर लीजिए सैर की तैयारी, तैयार होना, चलेंगे ऐसे जंगल जहां उगता है चारों तरफ सोना, दिखाएंगे ऐसा देश जहां पिया ज्यादा पानी तो पड़ेगी जेल की हवा खानी, देखिए एक ऐसी नीलामी जिसमें बिकी 2 अरब रुपए की कटोरी, और जानिए किसने और कहां खरीदी 123 करोड़ रुपए में नंबर प्लेट, देखिए दुनिया भर की दिलचस्प खबरों का पिटारा बात दुनिया की आज शाम 4:26 पर सिर्फ Zee बिजनेस पर।
है ना, एक से खबरें जोड़ता। बहुत बढ़िया, मंगल ग्रह का नक्शा आ चुका है, एक ऐसा जंगल जहाँ सोना उगाया जाता है, एक ऐसी जेल जहाँ चाय में पानी नहीं, सॉरी चाय में तो कुनाली मिला के फिर ऐसे ही पानी अगर ज़्यादा पिया जाए तो वहाँ पर जेल हो जाती है। ओके, और इसके अलावा दो अरब की कटोरी नीलामी, 2 अरब रुपए में नीलाम हुआ और 123 करोड़ की नंबर प्लेट, ये स्टोरी मैंने कहीं पढ़ी है। हाँ, ये शायद गल्फ कंट्री में, गल्फ कंट्री में दुबई में हुआ था। हाँ, कार नंबर P7 था ऐसा जहाँ तक मुझे याद है। हाँ, किसी को कोई स्टोरी पसंद आई हो, विशेष टिप्पणी किसी की? जी जैन साहब। मुझे तो देखिए ये सोने का जंगल वाली पूरी जबरदस्त लगी है। ऐसा जंगल और जंगल इंडिया का इंपोर्ट किया हो जाएगा। मैं जैन साहब की आवाज बराबर सुन नहीं पाया। मैं इतना समझ पाया हूँ कि आपको सोने वाली स्टोरी पसंद आई है, करेक्ट? हाँ, सोने वाली स्टोरी, और वो जंगल इंडिया में उसके जो बीज है फर्टिलाइजर से अपन यहाँ पे उगाएंगे और ज्यादा उगा लेंगे। और दूसरा, ये जो मंगल ग्रह का जो मैप बना है, मैं सोच रहा हूँ कि हमारे मैप में इंडिया भी कुछ काम करेगी क्या उसके लिए। मैप में इंडिया आपका भी फेवरेट है, मेरा भी फेवरेट है, ये स्टॉक अपना काम करेगा फिर। ओके, तो ये दोस्त सुमित जी, अनिल जी, एक तो ये सोने का जंगल मुझे भी चाहिए, वो जंगल ताकि लाइफ सेट जंगल चाहिए, सोना चाहिए। अनिल जी, जंगल मिल गया तो सोना अपने आप हो गया। बताए तो अच्छा है, तो ये आपकी फेवरेट स्टोरी है सोने का जंगल। चलिए बढ़िया, तो चलिए बाकी और भी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है आप सबके लिए, शाम को देखिएगा जरूर 4:30 बजे हर गुरुवार की तरह आज भी। अच्छा, बंसल जी की भी कुछ विशेष टिप्पणी। जी बंसल जी। जी अनिल जी, एक तो अनिल जी दो चीजें, दो स्टोरी पसंद आई, एक तो अनिल जी वो जंगल वाली सोने वाली, अनिल जी वहां से वो सोने के बीज लेके आएंगे और जैन साहब के राजस्थान के मेवाड़ डिस्ट्रिक्ट में अनिल जी वहां पर उसको उगा देंगे अनिल जी, तो अपने राजस्थान में अनिल जी वो सोना उगना शुरू हो जाएगा। और दूसरा, वो देश भी अनिल जी जाना है जहाँ पर पानी पीने पे हो जाती है जेल, क्योंकि आजकल फ्लाइट में अनिल जी पानी कम मिल रहा है, मिलता नहीं है, तो थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी अनिल जी उस देश में जाके। ये बात तो इंटरेस्टिंग है, पानी पीने पर जेल, जेल पानी की कमी होगी आई थिंक, वही हो सकता है और तो क्या है। चलिए, तो ये है ढेर सारी स्टोरीज जो आप देखिएगा जरूर शाम 4:30 बजे बाद दुनिया के, हमारा विशेष शो हर गुरुवार को आपको तरोताज़ा कर देगा, दिन भर की थकान निकाल देगा। आइए इसके बाद बढ़ते आगे और कुछ और विशेष शो आपके लिए हम लेकर आएंगे, और आज शाम को भी बड़ा एक्शन तो है ही। अमेरिका में महंगाई घटने और मंदी की आशंका से सोने चांदी की कीमतों में आई है जबरदस्त तेजी, और एमसीएक्स पर सोना 61,000 के करीब तो चांदी पर 76,000 के करीब पहुंच चुका है। वाह, अब सवाल ये कि अगर अमेरिका में मंदी आती तो क्या सोने चांदी में नया रिकॉर्ड बनेगा? इसी पर हमारा खास शो मंदी के आगे गोल्ड है, 5:30 बजे ये विशेष शो आज मिस मत करिएगा। गोल्ड पर आप सब लोग कुछ ना कुछ जानना समझना सुनना देखना चाहते हैं, इसलिए आपके लिए विशेष शो। आइए, आपकी खबर आपका फायदा, हर 4 में से 1 हार्ट अटैक ऐसे व्यक्ति को होता है जिसमें कोई रिस्क फैक्टर है ही नहीं, देखने में तरोताजा फर्स्ट क्लास एकदम चुस्त दुरुस्त, यानी कि उसको ना ब्लड प्रेशर है, ना डायबिटीज़ है, ना कोई कोलेस्ट्रॉल है, ना कोई सिगरेट पीता है, स्मोक करता है, ना ड्रिंक करता है, मतलब ऐसे कोई ख़राब लत है ही नहीं। फिर भी भाई साहब बोले अच्छे खासे थे, अच्छी लाइफ स्टाइल थी, लेकिन आ गया अटैक। तो बात यह कि दूसरे शब्दों में हर एक चौथा हार्ट अटैक वाला जो पेशेंट है वो भला चंगा आदमी है। या ये एक रिपोर्ट कहीं से आई है? मद्रास मेडिकल कॉलेज से। इस पर हम करेंगे पूरी चर्चा कि स्वस्थ लोगों को, अच्छी लाइफस्टाइल वालों को क्यों होता भाई, पहचाने कैसे, बचे कैसे, ये बहुत जरूरी है। तो ये शो मिस मत कीजिएगा। अगर आप अपने आप को हेल्दी समझते हैं तो देखना है, और जो हेल्दी नहीं समझते उनको तो बाकी देखना है, ठीक है? हेल्थ ऑन ट्रैक फिर भी हार्ट अटैक, ये हमारा आज का विशेष शो। डॉक्टर जी जस्टिन पॉल, प्रोफेसर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मद्रास मेडिकल कॉलेज से, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। डॉक्टर विवेक चतुर्वेदी, हेड कार्डियोलॉजी अमृता हॉस्पिटल, और डॉक्टर सुभाष चंद्रा, चेयरमैन कार्डियोलॉजी ये BLM मैक्स हॉस्पिटल से हमारे साथ जुड़ेंगे आज शाम को। इन सबसे करेंगे हम मुलाकात शाम 6 बजे, हेल्थ ऑन ट्रैक फिर भी हार्ट अटैक। रात 8 बजे विदेश जाकर पढ़ाई करने वालों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, सिर्फ साल 2022 में यानी पिछले साल में लगभग 7.5 लाख बच्चे विदेश पढ़ाई करने के लिए गए, जिनमें से कैनेडा, US, UK पढ़ाई करके टॉप डेस्टिनेशन ये हैं जहां लोग जा रहे हैं। नंबर 1 US है, नंबर 2 UK, तीसरा कैनेडा।
अगर आप भी अपने बच्चों को पढ़ाई करने के लिए बाहर भेजना चाहते हैं, अगर आप खुद का भी मन है अभी भी, हो सकता है हमारे कुछ कुछ एक्सप्रेस ऐसे हैं जो अभी भी सोच रही है, जैसे सुमित जी अभी भी चाहे तो जा सकते हैं पढ़ने के लिए विदेश, वो उनको एडमिशन भी मिल जाएगा, सुमित जी को कोई मना नहीं करेगा, उनको लगे हाँ अभी तो ये जा सकते हैं आराम से, जैसे सुमित जी को जाना हो या हिमांशु जी भी आजकल उस कैटेगरी में थोड़ा थोड़ा आने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आपका भी मन है तो फिर आपके लिए ये बड़ा शो है काम का। पढ़ाई के बढ़ते खर्चों के लिए निवेश से बनेगी बात, या फिर लेना है आपको एजुकेशन लोन, इस पर हमारी विशेष चर्चा शाम 6:30 बजे। विदेश में पढ़ाई की प्लानिंग, हमारे साथ होंगे सत्यम कुमार CEO लोन टैप और संजीव गोहिला CEO हम फौजी इनिशिएटिव से जुड़ेंगे हमारे साथ। और अब आइए रात को 8 बजे हमारी कवर स्टोरी। कोरोना के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर से चिंताएं बढ़ाई और 24 घंटे के अंदर आए हैं 10,000 से ज़्यादा केस। दिल्ली के एम्स ने अपने कर्मचारियों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी और सबको कहा भाई मास्क पहनो, बिल्कुल जरूरी है। IMA ने भी चेतावनी जारी की है और मैं भी वीकेंड पर थोड़ा ट्रैवल करूँ, मास्क पहन के जाऊँगा। अच्छा हो गया ये पढ़ लिया, तो खबर पढ़ ली, अब ध्यान रहेगा, तो मास्क पहनना शुरू कर दीजिए। आखिर 8 महीने बाद क्यों बढ़ रहे हैं मामले तेजी से और एक्सपर्ट्स की राय क्या है, इसी पर हमारी आज की कवर स्टोरी है प्राइम टाइम बुलेटिन में। कोरोना तेज, रहो सचेत, सावधान रहें। ढेर सारी खबरें और भी होगी और इस बीच डे हाई पर बंद होते हुए बाजार 17,828 एग्जैक्टली 17,827 के ऊपर ब्रेकआउट की जो बात कर रहे थे वहीं पर जाकर हुआ है बंद 15 पॉइंट की तेजी के साथ, और 42,132 575 पॉइंट की तेजी के साथ निफ्टी बैंक ने की है समाप्ति। वाओ, व्हाट अ ट्रेडिंग सेशन, जबरदस्त, व्हाट अ वीक, क्या दो हफ्ते गजब। तो बहुत ही बढ़िया, जान लौटती दिख रही वित्त वर्ष 2024 की शुरुआत से विदा लेने का वक्त है, लंबा वीकेंड आप एंजॉय करें। कुणाल जी, राकेश जी, हिमांशु जी और साथ ही जैन साहब, आप सबको लंबे वीकेंड पर मजे करिए और साथ ही हमारे श्रीकांत जी और जय ठक्कर साहब, सुमित जी और वागले साहब, आप सबको भी नए लंबे वीकेंड की शुभकामनाएं। घूमिए फिरिए, एंजॉय कीजिए, आम आम खाइए, मौसम भी आ चुका है, मुंबई आ चुका है, मिल रहे हैं, जय की तो प्लानिंग भी होगी बिल्कुल। तो चलिए हम सब आप सबको हैप्पी वीकेंड और मुझे दीप को इजाजत दीजिए।